तो मैं आपको बाघा जतिन के बारे में बता रहा था कि बाघा जतिन कौन थे। तो ये वेस्टर्न अनुशीलन को ये कर रहे थे अपना कंट्रोल, ठीक है, जिसमें कि बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो सब था। और इनके बारे में था, क्या क्या बात है, ये बाघा जतिन जो है ये सबको लिंक करने का काम कर रहे थे, दूर दूर तक के लोग को जोड़ रहे थे अपने साथ। अल्टीमेटली इन्हें मार दिया जाता है बालासोर में, ठीक है। क्यों मारा जाता है, क्योंकि गोली मारा जाता है, पहले तो ये धारा को क्यों मारा जाता है, क्योंकि ये ना जर्मनी से हथियार सब प्रोक्योर कर रहे थे, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, अच्छे हथियार आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहा हो, कहाँ हो रहा था, हिटलर के वहां पे। और हिटलर की इनके साथ समस्या थी, यूरोपियंस के साथ, ठीक है, हिटलर के साथ मिलकर के वहां की सरकार से, या फिर चोरी चकारी करके, ठीक है, वहां से आपको हथियार लाना था। तो बाघा जतिन जो है ये बालासोर में जर्मनी के हथियार को लेने के लिए, उसके बंदूक वगैरह को लेने के लिए वेट कर रहे थे, वहीं पे पकड़ लिया गया और ठोक दिया गया, ठीक है। सो बाघा जतिन वो चीज है। इनका प्लान क्या था, देखो जर्मन प्लॉट कहा जाता है इसे। एक सेकेंड, ये देखो जर्मन प्लॉट कहा जाता है, कि मतलब इन लोग का प्लान ये था, जतिन आज रास बिहारी बोस टू टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया। रास बिहारी बोस से कहा, आप ऊपर के इंडिया का चार्ज लो, और पूरे देश भर में हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं, पूरे देश भर में हम समस्या लेकर के आते हैं, पूरे देश में हम लोग परेशान करते हैं इन लोग को, ताकि इन्हें भागना पड़ता है, जिसका कि कहा गया जर्मन प्लॉट, या फिर जिमर मैन प्लान कहा गया इन्हें, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा जिमर मैन प्लान जो है ये कब हुआ था, तो आप बता सकते हो इस टाइम पे हुआ था। पूछा जाए इसमें कौन इन्वॉल्व है, आप बता सकते हो बाघा जतिन इन्वॉल्व है, रास बिहारी बोस इन्वॉल्व है। तो जिमरमैन प्लान का उद्देश्य क्या था, यह आप बता सकते हो, कि पूरे देश भर में उथल पुथल लाना, और जिससे कि उनके नाक में दम करना, ठीक है। जर्मन प्लॉट क्या होता है इसमें, कि हम जर्मनी से हथियार लेकर के आना था हमें, उसके बाद फिर हमें गुरिल्ला वॉरफेयर प्लान किया गया था। गुरिल्ला फोर्स जो है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपराइजिंग करेंगे पूरे देश भर में, और फोर्ट विलियम को हम लोग कैप्चर कर लेंगे। फोर्ट विलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, किला था, तो फोर्ट विलियम को हम कैप्चर कर लेंगे और म्यूटरी करेंगे बाय आर्म्ड फोर्सेस। सिंपल सी बात है, हमें म्यूटरी करनी है, सिंपल सी बात, ठीक है, हमें विरोध करना है इनके विरुद्ध में, तो ये चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिवॉल्यूशनरी के किसी एक आदमी, कोई वहां पे ट्रेटर निकला, ठीक है, गद्दार निकला, इस बार गद्दार हम बनाए थे विद्यान को, तो विद्यान गद्दार निकला, और अल्टीमेटली साक्षी तान्या का प्लान जो है वो चौपट हो गया। आप साक्षी तान्या राजा नहीं बन सकती, राजा बनने का प्लान था इनका, रानी बनने का प्लान था इनका, बट अल्टीमेटली अब ये नहीं बन पाएगी, विद्यान ने धोखा दिया। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया, जो बाघा जतिन है वो मारे गए, और अल्टीमेटली वो हीरो की तरह मारे गए। कैसे मारे गए, क्योंकि जब उन्हें मार रहे थे तो इन्होंने भी मारा उसे पुलिस को, और धर करके मारा बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाघा जतिन ने मरते मरते कहा, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, हम मर रहे हैं नेशन को जगाने के लिए, तो हम मर नहीं रहे एक्चुअल में, हम राष्ट्र को जगा रहे हैं, ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग किए। अल्टीमेटली बाघा जतिन का काम यहाँ पे समाप्त हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन नो पूछू सर, इससे, बाघा जतिन का एक्चुअल नाम क्या था। जतन जितेंद्र मुखर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये बताओ कि कौन से संस्था से जुड़े हुए थे। अनुशीलन, अनुशील अनुशीलन में कौन सा पार्ट ये था, वेस्टर्न अनुशीलन था, ठीक है। वेस्टर्न अनुशीलन का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे था, ढाका में। भाग वेस्टर्न अनुशीलन का पूछ रहा हूं मैं, अभी तो बताया बंगाल बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन सब केस में था, इन सब जगहों पे था, ठीक है, मतलब वेस्टर्न है। अब देखो ये, अगर हम मान लो कि इधर ये बंगाल है, इधर ढाका वगैरह में, इधर मेन अनुशीलन समिति काम कर रही है, बट इसका वेस्टर्न पोर्शन जो है, यहाँ पे भी तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे ना, इसका इन्फ्लुएंस तो इधर भी होगा, यहाँ पे पूरे बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, ये पूरा एरिया में इनका इन्फ्लुएंस था, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस क्षेत्र में, तो ये आप कह लो वेस्टर्न जो है आपका बाहर, उड़ीसा, एग्जैक्टली, हाँ बिहार, उड़ीसा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस क्षेत्र में इनका अपना प्रभुत्व था, तो बाघा जतिन ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, किसने गठन किया था अनुशीलन समिति का, फटाफट। सर जतिनाथ जतिन ने, बैनर्जी और प्रमोद मित्तल और कुमार घोष और बाकी और भी लोगों की। देखो बारेंद्र घोष थे, प्रमोथा मित्तर थे, बाघा जतिन थे, ये सब लोगों ने मिलकर के सब कुछ किया था, बहुत अच्छी बात है। बागिंद्र, बारिंद्र कुमार घोष है, वैसे बागिंद्र नहीं है, गौ नहीं है,
रॉ है, बारिंद्र कुमार घोष नाम है, बट ठीक है कोई नहीं, टाइपो हो सकता है मे बी। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या आएगा मैसेज, बारिंद्र, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा बाघा जतीन से रिलेटेड। अच्छा अब इसमें कुछ जो है और न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, जैसे कि संध्या, युगांतर बंगाल में, ठीक है युगांतर तो हम लोगों ने देख लिया था, युगांतर को ठीक है, ये अनुशीलन समिति के द्वारा निकाला गया था। संध्या फिर ऐसी एक और है, ठीक है संध्या, और फिर है काल, काल जो है महाराष्ट्र में पब्लिश किया जा रहा था। ये सब क्या थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, कहते अरे अरे करो 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 हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ये गैंग करके उकसाने का काम कर रहे थे। तो बेसिकली ऐसा ही होता है, सभी दोस्त एक दूसरे को उकसाते हैं, उनको फंसाते हैं और कुछ नहीं होता अल्टीमेटली। आ जाओ हम लोगों ने बंगाल के क्षेत्र का देख लिया, बंगाल का क्षेत्र जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अनुशीलन समिति पूरा का पूरा। अब बात है महाराष्ट्र के केस में, महाराष्ट्र के केस में क्या होता है, देखो सबसे पहले ना आपने रामोशी अप्राइजिंग सुना होगा, रामोशी जो है ये एक पीजेंट फोर्स था, किसानों का वो था संगठन, ठीक है रामोशी, और ये लोग सब उठ के खड़े हुए थे किसके अंडर में, वासुदेव बलवंत फड़के के अंडर में विरोध करने के लिए। लेकिन ये 1879 की बात है, बहुत पहले की ही बात है, बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया, समाप्त कर दिया, सप्रेस कर दिया, अल्टीमेटली ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और अपना इन्होंने अस्तित्व गंवा दिया, रामोसी अप्राइजिंग। ठीक है छोटा सा अप्राइजिंग है, खाली आपको ये याद रखना है रामोसी अप्राइजिंग को लीड किसने किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। एक्चुअल में ये बलवंत तो थे लेकिन एक्चुअल में इनका काम हो नहीं पाया, इनका बल जो है वो अपना कुछ काम दिखा नहीं पाया, क्योंकि इन्हें फड़के ये ढंग से पढ़ नहीं पाए कि कैसी है माहौल, और अंग्रेजों के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिए गए और इस मोमेंट को प्री मैच्योरली सप्रेस कर दिया गया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। तो रामोसी अप्राइजिंग थी, ठीक है किसानों का था आपको याद रखना है, रामोसी ठीक है, रामोसी और वासुदेव बलवंत फड़के, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ना 1890s में, अब आपको पता है यहाँ पे तिलक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, तो तिलक का एरिया है ये, तो तिलक ने काफी ज्यादा प्रमोट किया मिलिटेंट नेशनलिज्म को, ठीक है जिसमें कि स्टार्टिंग में वायलेंस को भी सपोर्ट करे थे, हालांकि बाद में ये तिलक जो अपनी बात से पलट गए और ये बाद में इस चीज को कहीं नहीं, जब कांग्रेस के साथ दोबारा से जुड़े हैं, ठीक है सूरत स्प्लिट के बाद जब दोबारा से जुड़ेंगे, उस इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज को छोड़ दिया, बट इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। मैंने आपको बताया था महारत्ता मैगजीन थी, केसरी नाम की मैगजीन थी इनकी, इसमें इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया, शिवाजी के त्योहारों को मनाया गया, गणपति फेस्टिवल मनाया गया, ये सब काफी कुछ हुआ। इनके डिसाइपल्स थे कुछ चापेकर भाई, चापेकर ब्रदर्स थे, ठीक है दामोदर थे और बालकृष्ण थे, ठीक है ये सब थे, और इन्होंने मर्डर किया प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना रान रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को। देखो क्या है, प्लेग फैल गया था बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था प्लेग फैला था, ठीक है पूना में, याद है आपको प्लेग फैला था, कब फैला था ये प्लेग याद है आपको, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में ही। अच्छा विद्यानंद, भाई तो पुणे में हुआ था। हाँ फर्स्ट सेशन जब कांग्रेस का हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पर हाँ फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस एग्जैक्टली, कि यहाँ पर कहा गया कि भाई आप तो अभी तक ये कुछ किए नहीं हो, आप कमीशन बिठाते हो, कुछ करते धरते हो नहीं, तो कमीशन बिठाया गया था उसका, ठीक है प्लेग कमिश्नर बिठाया गया था, या प्लेग को कंट्रोल करो, ठीक है तो लोग प्लेग कमिश्नर थे पूना के, उसको रैंड नाम था उसका, ठीक है और उसको किसने मारा था, तो बाल गंगाधर तिलक के डिसाइपल्स ने, कौन थे उसमें डिसाइपल्स में, चापेकर भाई थे, ठीक है दामोदर थे और बालकृष्ण थे, जितना याद होता है ठीक है अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे कृष्णा थे, छोटे बच्चे थे, उसी टाइम पे इन्होंने जाकर के पूतना को मार दिया था, ऐसे याद कर सकते हो कि प्लेग कमिश्नर था पूतना था, या पूतना को मारा किसने था, बाल कृष्णा ने, छोटे बच्चे ने मारा था, छोटे कृष्णा ने मारा था, दामोदर उन्हीं का नाम है, और चापेकर जाकर के चपेड़ लगाया था, ऐसे कर लो जितना हो पाए याद, ठीक है कोशिश करना याद करने की, आप जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर थे और बालकृष्णा थे, ठीक है कोई इशू तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हम। विद्यानंद पढ़ करके नहीं आया है चैप्टर को, बहुत अच्छी बात है। सावरकर और उनके भाइयों ने मिलकर, आप सावरकर का नाम सुनते होगे, ठीक है विनायक दामोदर दास, नहीं क्या नाम था इनका, विनायक दाम क्या था, सामोदर वीडी सावरकर नाम था ना, वीडी सावरकर, हाँ तो ऐसे ही था वीडी सावरकर था। तो सावरकर और इनके भाइयों ने मिलकर के मित्र मेला की शुरुआत की, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है संगठन का नाम आपको ध्यान रखना है डेफिनेटली, मित्र मेला 1899 में शुरुआत करवाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा फिर आगे ऐसे काम नहीं करता, ये अभिनव भारत के साथ मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, अभिनव भारत के साथ मर्ज हो जाता है बाद में, और बेसिकली ये सब भी काफी ज्यादा ऐसे काम करते हैं, ठीक है
और यहाँ पे क्या है, AMT जैक्सन नाम का जो कलेक्टर था नासिक का, उसको ये लोग मार देते हैं। AMT जैक्सन जो है, ये AMT जैक्सन है, ठीक है, नासिक का कलेक्टर, ये लोग इसे मार देते हैं। ये क्या होता है, ये वेल नोन इंडोलॉजिस्ट होता है। इंडोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब पता है, इंडोलॉजिस्ट का मतलब? नहीं सर, नहीं पता। देखो, जो कि काफी ज्यादा अपने इतिहास में, अपने इन सब चीजों में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपने इंडिक चीजों की बात करते हैं, जैसे इंडिया में इंडोलॉजिस्ट हैं कुछ, कि अपने इंडोलॉजी की बात करते हैं, इंडोलॉजी इंडिया की लॉजिक की बात जो करते हैं। मतलब कि अब जैसे देखो, अगर मान लो आप कास्ट सिस्टम को देखना चाहते हो, तो आप अपने इंडियन लेंस से देखो ना, आप विदेशी लेंस से क्यों देख रहे हो? तो जो ये अपने लेंस से देखने का काम करेगा, उसे कहा जाएगा इंडोलॉजिस्ट। अब ऐसे ही अगर मान लो कि कहा जाता है, अब जैसे शबरीमला मंदिर, ठीक है, इसमें लड़कियों का प्रवेश जो है वर्जित है, अब आप इसे वेस्टर्न लेंस से देखोगे तो ये नजर आएगा कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव है, लेकिन अगर आप ये इंडिक लेंस से देखोगे तो आपको रीजन पता चलेगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे लड़कों का प्रवेश वर्जित है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ठीक है, और वहां पे वो जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी के भेष में है, वो भगवान नैष्टिक ब्रह्मचारी के भेष में, तब लड़कियां जाएगी तो गलत होगा ही। तो बेसिकली आपको अपना जो इंडिक, अगर आप पर्सपेक्टिव देखते हो किसी चीज में, तो वहां पे आपको पता चलता है कि अच्छा, एक्चुअल में हम इस थॉट की वजह से क्या करते थे। तो उस चीज को पढ़ने वाले को कहते हैं इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एक इंडोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब जैसे भी इंडोलॉजिस्ट है, ये इन लोग का इंडोलॉजी भी तो अजीब ही टाइप का होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो AMT जैक्सन नाम का आदमी था, नासिक का कलेक्टर था, इसे मार दिया गया किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा, जो कि अभिनव भारत के मेंबर थे। देखो मैंने आपको क्या कहा, सावरकर ब्रदर्स ने मिलकर के मित्र मेला की शुरुआत की, जिसे कि अभिनव भारत के साथ मर्ज कर दिया गया। ये अभिनव भारत में एक आदमी थे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, इन्होंने जाकर के मार दिया किसको, AMT जैक्सन को। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये इनका नाम अनंत हो गया, ठीक है, और लक्ष्मण की तरह नाक पे गुस्सा कि भाई तुम इंडोलॉजी के नाम पे कुछ भी बकवास कर रहे हो। मतलब कहते हो इंडोलॉजी है, लेकिन एक्चुअल में तुम कुछ भी बकवास करते हो ना, अपनी मर्जी से कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव दूसरा है। ठीक है, तो ये लक्ष्मण की तरह नाक पे गुस्सा, आपको पता है लक्ष्मण को, राम थोड़े शांत और लक्ष्मण थोड़े गुस्से वाले, ठीक है, तो लक्ष्मण की तरह नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है। ठीक है, कहता है ए जैक्सन, ए जैक के बच्चे, इधर आ, कम हियर कम हियर। ठीक है, लक्ष्मण कहते हैं कम हियर कम हियर, ठीक है, जैक्सन के बच्चे इधर आ, जैक के बच्चे इधर आ, और कहते हैं, और फिर उसे गोली मार देता है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभिनव भारत, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, AMT जैक्सन, ठीक है, कोई इशू? नो सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। आते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में ना पंजाबियत को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पे लाला लाजपत राय जो है, ये एक मैगजीन लेकर के आए थे जिसका नाम था पंजाबी, ठीक है, सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, ठीक है, हमें सेल्फ हेल्प करनी है, तो इस चीज के लेकर के आए थे कौन? देखो यहाँ पे आपको ये चीज सिंपल था, अगर आपको ये याद रहे ना कि महाराष्ट्र में तिलक है, ठीक है, पंजाब में कौन है? पंजाब में मैंने आपको दो का नाम बताया था, याद है आप लोग को? अजीत सिंह और लाला अजीत, लाजपत। हाँ, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, तो इन दो का याद रखना है नाम। अजीत सिंह के बारे में बताया था, कौन थे? भगत सिंह के चाचा जी थे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, देखो भगत सिंह के चाचा जी, ठीक है, तो भगत सिंह के चाचा जी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्या, अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन। मोहिसबन का एक बार मतलब सर्च करना, मुझे नहीं पता मोहिसबन का मतलब, ऐसे सिर्फ ये मोहिसबन सर्च करो, मोहिसबन मोहिसबन मीनिंग इन उर्दू, ऐसे सर्च करो तो जरा मुझे बताओ। तो मूवीज बन गई, वो मतलब सोच के बताओ। हिंदी में तो होता क्या होता है, करना? अच्छा, गरना। ओके ओके ओके, और अंजुमन का फिर क्या मतलब होता है? इस पूरे को ही सर्च करो, अंजुमन ए मोहिसबन, इसका मतलब सर्च करो। वतन का तो मतलब हमें पता है, अंजुमन ए मोहिसबन का मतलब सर्च करके देखो। तो सोसाइटी ऑफ लवर्स, ओके, सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ द कंट्री, ये होगा अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन, ठीक है।
तो बेसिकली इन्होंने अंजुमन ए मोहिजबन ए वतन नाम की शुरुआत की, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये लाहौर से इसकी शुरुआत हुई जर्नल की, भारत माता नाम का जर्नल प्रकाशित किया इन्होंने। ये अब देखो ये सब नेशनलिस्ट लोग थे, तो ये सब वही तो काम करेंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है, तो यही सब चीज है। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये ना बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, पता है, ये अजीत सिंह जो थे ये शुरुआत से ही पॉपुलर थे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भगत सिंह को जानते हैं, भगत सिंह को इस वजह से जानते हैं क्योंकि बहुत कम आयु में इन्हें सजा दे दी गई थी फांसी की सजा। बट इनके जो चाचा जी थे ये बहुत फेमस थे शुरू से ही। क्या करते थे ये देखो, ये ना कहते थे कि जो भी चेनाब नदी है उधर, ठीक है, चेनाब नदी के पास जो कुछ भी आपको आपको टैक्स वैक्स देना होता है मत दो, कहते ना मत दो, टैक्स वैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ कुछ और लीडर भी थे जिनका कि नाम आपको याद रखना हो सकता है, तो अगर कोशिश करना, आगा हैदर, ठीक है, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, और एक रेडिकल उर्दू पोएट थे जिसका नाम था लालचंद फलक, ठीक है, ये सब इनका साथ दिया करते थे इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये चीज है, और ये एक्सट्रीमिज्म हो रहा था पंजाब में। इसमें नाम देखते हैं कैसे कैसे थे, तो आगा हैदर आगा आगा, ठीक है, आगा हैदर आगा, यहाँ पे आप दिल्ली वाले में सुनते हो ना इन लोग की बात, आगा हैदर आगा गुआ पर गुजा ऐसे जो करते हैं, ठीक है, तो आगा हैदर आगा ऐसे बोलते हैं, तो हैदर आगा, तो ऐसे हैदर आगा, ठीक है, और ये हैदर का भाई हैदर राजा आगा, ठीक है, और भाई परमानंद, भाई परमानंद आगा, हैदर आगा तो परमानंद आ गया, मजा आ गया, मौज आ गई ऐसे, ठीक है। और साथ में एक रेडिकल उर्दू पोएट था जिसका नाम था लालचंद फलक, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कहते हैं अजीत सिंह कहता आगा हैदर आगा, ठीक है, हैदर आगा हमारे पास, और हैदर का भाई भी आगा हैदर राजा, एकदम राज गया भाई, ये तो मजा में, अब तो भाई परमानंद आ गया, अब तो तीनों लोग मिलकर के चलेंगे, और कहाँ पे चलेंगे, फलक तक चल साथ मेरे, और ये गाना गा रहे हैं तो ये उर्दू पोएट होगा, ठीक है, फलक तक चल साथ मेरे, तो गाना गा रहे तो उर्दू पोएट होगा। तो इन चारों पांचों की दोस्ती आप हिसाब से कर लो, एक बार में सारा का सारा आपको जुड़ जाएगा, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, फिर कहाँ पे कौन है ये सब चीज आपके दिमाग में आ जाएगा, छप जाएगा। दोबारा से एक बार देख लेते, पंजाब है, पंजाब में ये कौन है फेमस, एक तो लाला लाजपत राय है, ठीक है, दूसरे कौन है आपके, अजीत सिंह है, क्या चीज उन्होंने गठन किया, अंजुमन ए मोहिजबन ए वतन, ठीक है, जो कि लवर्स ऑफ कंट्री ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका मतलब ये है। और इन्होंने एक मैगजीन निकाला भारत माता के नाम से, ये सबसे एकदम कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है अजीत सिंह जो है ये बाद में आके फेमस हुआ, नहीं, बहुत पहले से थे। क्या किस वजह से फेमस थे, कहते थे मैं तुम्हें रिवेन्यू दूंगा ही नहीं, जाओ, ठीक है, चेनाब में, चेनाब नदी के दुआब में जो उधर होगा आपको देंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी वाले लीडर के साथ मिलकर काम करते, बाकी वाले लीडर कौन कौन थे ये कहते थे, ऐसे याद कर लो, ठीक है, दोबारा से लास्ट टाइम में बोल रहा हूँ, अजीत सिंह कहते थे अपने भगत सिंह को आगा हैदर आगा, ठीक है, आगा हैदर आगा, ठीक है, भाई भी आ गया उसका, हैदर हैदर रदा आ गया, अब तो एकदम परमानंद आगा भाई, एकदम परमानंद आगा। और साथ में उनके साथ और एक आदमी आदमी होता था, कहाँ पे जाएंगे अब सब लोग, मिल तो आ तो गए, मिल तो गए, कहाँ पे जाएंगे, फलक तक चल साथ मेरे, ये गाना गाते हुए करते हैं, क्यों, क्योंकि उर्दू पोएट है भाई, उर्दू पोएट है तो गाना तो गाएगा ही, कभी लोग अगर गीत नहीं लिखेंगे तो करेंगे क्या, वो तो शेरो शायरी तो करेंगे ही, तो इस वजह से फलक लालचंद नाम का था, ठीक है, फलक नाम का, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर, नो सर, ओके, आर यू कॉमेडी में, चलो बहुत अच्छी बात है, तो एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे एक और बड़ी ही जबरदस्त चीज होती है, रास बिहारी बोस जो है, ये देखो बोस है या आप घोष घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष, नहीं बॉस भी है सर, घोष भी है। घोष है मुझे, हाँ ये तो बाद वाला, ये नाम पहले अरे भी आ चुका है इसी पेज में, मतलब पिछले पेज मैं, में। मुझे ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, रास बिहारी घोष और बोस में, नहीं तो ये है मतलब, लेकिन वो भी तो स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग तो सेम ही है शायद। रुको रुको, हाँ, चलो राज बंगाल बिहारी नेशनल घोष कॉलेज अलग के है, प्रेसिडेंट, हाँ राज बिहारी बोस जो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो घोष थे ये बोस है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, तो दोनों है, ठीक है, ये याद रखना है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो घोष जो है वो उधर के प्रेसिडेंट, और ये बोस जो है ये गदर रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे, राज बिहारी बोस, ठीक है, तो ये घोष नहीं थे यहाँ पे, बोस थे गदर रिवॉल्यूशन में, ठीक है, गदर रिवॉल्यूशन में ये बोस थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बोस क्या करते हैं, बाघा जतिन के साथ में
मिलते हैं। मैंने आपको बताया था बागा जतिन जो है इनके साथ मिलकर के क्या करते हैं प्लान कि पूरे देश भर में हमें करना है, एक्सट्रीमिज्म फैलाना है, तो उसके लिए जाते हैं जिमरमैन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर बीच में कोई गद्दार मिलता है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, अल्टीमेटली बागा जतिन मारे जाते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे राज बिहारी बोस की केस में आएगी। राज बिहारी बोस जो थे गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो ये चीज ध्यान रखना। और ठीक है, हाँ इसमें एक चीज याद रखना है कि इन्हें ना मतलब जब ये पकड़े जाना था, ऑब्वियसली प्लान जो है ये तो इनका था, ये भी साथ में इंक्लूडेड थे उस चीज में, इन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाना था, बट ये इन्हें पकड़ नहीं पाए। राज बिहारी बोस एस्केप्ड टू द जापान और ये जापान भाग गए। एस्केप करने में ये सफल रहे, जापान जाने में ये सफल रहे राज बिहारी बोस, ठीक है। और बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया वहां पर जापान में, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो राज बिहारी घोष जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कह लो, और राज बिहारी बोस जो है इन्हें आप मान लो कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, क्लियर। चलो यस अब देखो, विदेशों में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। विदेश में क्या क्या हो रहा था, जैसे देखो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने अपना क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी का निर्माण किया, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया लंदन में, ये याद रखना होगा, लंदन में 1905 ईस्वी में जैसे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, इधर तिलक ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, वैसे वहां पे इंडियन होम रूल सोसाइटी का निर्माण हुआ था, जिसे कि इंडिया हाउस भी कहा जाता था। ये क्या था, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाया करते थे, ताकि जो कोई भी आएगा इसे स्कॉलरशिप हम देंगे पढ़ने लिखने के लिए, और एक्सट्रीमिस्ट तो ऑब्वियसली ये लोग भी होंगे, स्वाभाविक बात है, ठीक है। एक जर्नल निकाला करते थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और यहाँ पे जो सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, ठीक है, लाला हरदयाल भी आपको याद रखना है, ठीक है, लाला हरदयाल जो काफी फेमस है, ये भी गदर पार्टी से रिलेटेड है। तो गदर पार्टी जो है ये विदेश में ही बेस्ड है, गदर पार्टी भी तो उसी से रिलेटेड थे, लाला हरदयाल भी, ठीक है, लाला हरदयाल इनके नाम के आगे लगता है। तो ये सावरकर हो गए, लाला हरदयाल हो गए, ये सब का सब इससे जुड़े हुए थे, होम रूल सोसाइटी से या फिर इंडिया हाउस से। यहाँ पे क्या होता था, जो भी इंडियन लोग होते थे वो सब एक जगह इकट्ठा होते थे, आपस में प्लानिंग वगैरह करते थे, सब कुछ करने का काम किया करते थे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम बात करें तो मदन लाल ढींगड़ा जो है, मदन लाल ढींगड़ा, ठीक है, इधर देखो, मदन लाल ढींगड़ा जो है इन्होंने इस सर्कल से निकल करके असैसिनेट किया था इंडिया के ब्यूरोक्रेट को, कर्जन विली नाम था उसका, उसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। तो मदन लाल ढींगड़ा का नाम आपको याद होना चाहिए कि मदन लाल ढींगड़ा किससे रिलेटेड थे, तो ये आपको आना चाहिए दिमाग में कि विदेश में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी था, इंडिया हाउस था, उससे रिलेटेड थे मदन लाल ढींगड़ा, और इन्होंने कर्जन विली को इन्होंने मारा था, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो लंदन है ये काफी डेंजरस जगह हो जाता है रिवॉल्यूशनरी के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने मारा है तो ऑब्वियसली इन्हें भी मारा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये लंदन जो है काफी ज्यादा डेंजरस हो गया था रिवॉल्यूशनरीज के लिए। देखो एक चीज क्या है, दिल्ली में आप मारना शुरू करो लोग को, ठीक है, तो शुरुआत में लोगों के लिए डेंजरस होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जब सरकार अपने पे आएगी ना, तो जो मारने वाले होंगे ना, आप लोग के लिए ये समस्या का विषय बन जाएगा, आप लोग की औकात दिखा दी जाएगी, ये बात है। तो यहाँ पे इनकी औकात दिखा दी गई, क्योंकि सरकार हमेशा पावरफुल होती है, उनके पास सब कुछ होता है, तो बेसिकली इनके लिए डेंजरस हो गया, रिवॉल्यूशनरीज के लिए डेंजरस हो गया लंदन, स्पेशली सावरकर वगैरह को निकाल दिया गया और उन्हें नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में भेज दिया गया। उस आपने पता ही आपको काला पानी की सजा हुई है, बहुत कुछ सजा सब हुई है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर बड़ी जबरदस्त चीज होती है, एक नया कॉन्टिनेंट पे उभर करके आने, नया सेंटर, जैसे कि पेरिस और जिनीवा, तो पहले लंदन में हुआ करता था, बाद में लोग अपने आप को शिफ्ट करके पेरिस में, जिनीवा में, ठीक है। जिनीवा पता है कहाँ पे है, चलो जिनीवा कहाँ है मुझे बताओ, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल, जिनीवा स्विट्जरलैंड में, उसकी कैपिटल है ये, और पेरिस जो है ये कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है। तो ये एक नया सेंटर बना जहाँ पे कि मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये पारसी थी, ठीक है, ये हिंदू नहीं थी, मुस्लिम नहीं थी, पारसी थी ये मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी थी, इन्होंने काफी ज्यादा कांटेक्ट डेवलप किए फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ मिलकर के, और वंदे मातरम नाम का इन्होंने, देखो ये वंदे मातरम गाई नहीं, ये अलग चीज है, मतलब गाई भी होगी, मैं वो नहीं कह रहा नहीं ही गाई, लेकिन वंदे मातरम नाम को इन्होंने लेकर के आई, ठीक है, और अजीत सिंह इनके साथ मिलकर के काम किया, बहुत सारी जगह इन्होंने काम किया सब मिलकर के। और बेसिकली ये इन्होंने कहाँ पे अपना स्टेब्लिश किया था, अपना गठन कहाँ पे किया था, तो पेरिस और जिनेवा से ये कंट्रोल करी थी मैडम भिकाजी कामा, ये चीज आपको ध्यान रखना, काफी फेमस लेडी है मैडम भिकाजी कामा। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है भिकाजी पैलेस, ऐसा नाम सुना आप लोगों ने, तो
भिखारी कामा के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ऑल राइट, हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने दो तीन चीज देखी है, ठीक है, इसे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। और लास्ट में क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, 1909 ईस्वी में एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब होने लग गए धीरे धीरे, जर्मनी के साथ हमारे रिलेशन खराब होने लग गए 1909 ईस्वी के आसपास। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है, आफ्टर 1909 व्हेन एंग्लो जर्मन रिलेशन डिटेरियोरेटेड वीरेंद्र चट्टोपाध्याय चूज बर्लिन एज इज बेस। आई गेस कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपके दिमाग में जा रहा है क्या ये लाइन? इस लाइन के ऊपर मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख रखा है कि 1909 में जब एंग्लो जर्मन रिलेशन, हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर होगा क्लियर होगा, हाँ ठीक है, 1909 ईस्वी में क्या हुआ, एंग्लो जर्मन रिलेशन जो है खराब होने लग गए। तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये बर्लिन को अपना बेस बना लेते हैं। बर्लिन कहाँ पे है, तो जर्मनी में ही है, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में ही है, तो जर्मनी को अपना बेस बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये बताओ एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब हुआ है, तो अगर आपके आपका रिलेशन किसी के साथ खराब है तो वहां पे आप घर बनाओगे क्या, वहां पे जाकर के, वहां पे अपना बेस बनाओगे क्या जाकर के कभी भी? तो नहीं सर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या यहाँ पे, कुछ गड़बड़ किसी प्रकार का? नो सर, तो इसे कैसे मुझे कहोगे कि हाँ मतलब दुश्मन के घर में जाकर के हम बनाएंगे अपना? ब्रिटिश के को शायद फ्रेंड बना दूं। एग्जैक्टली, यहाँ पे एंग्लो जो है ना, एंग्लो ये अभी वाला एंग्लो नहीं है, मतलब अगर आज के टाइम पे हमारा जर्मनी के साथ रिलेशन खराब हो तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे क्या था, वो लोग तो रिवॉल्यूशनरी थे, ये तो चाहते ही थे कि एंग्लो सरकार जो ये उखाड़ के फेंक दी जाए। तो एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब हुआ, इसका मतलब ब्रिटिश का रिलेशन खराब हुआ उसके साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ। तो यहाँ पे एंग्लो वर्ड से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, बट ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि एंग्लो वर्ड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब होने की वजह से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को बहुत अच्छा मौका मिल गया बर्लिन को अपना बेस बना करके काम करने का, और वहां पे इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब विदेश में ये सब काम किया गया है। एक बार फटाफट फटाफट हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आ, आ, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये कौन थे? हाँ अब्रॉड में होगी स्टार्ट फाउंडेशन। इंडियन होम रूल सोसाइटी इन्होंने लॉन्च किया था, इंडियन हाउस भी जिसे कहा जाता था, ठीक है। काम क्या था ये बताएगी तान्या, काम क्या था इंडियन होम रूल सोसाइटी का तान्या, बोल सकते हो क्या, बता, आवाज आ भी जाए। अच्छा अब ना ही बोलो तो अच्छा तो सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। विदेन अब बताओ क्या था, होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, विद्यानंद, यस सर, बताओ क्या था, इंडियन सोसाइटी, इंडियन हाउस, इंडिया हाउस, होम रूल सोसाइटी, क्या था? अरे मेरे प्यारे घोंचू, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, देख करके ही बता दो। विदेन अंग्रेजी आती है तुमको? यस सर, थोड़े बहुत सर। सर स्कॉलरशिप स्कीम था। हाँ, स्कॉलरशिप देते थे, तान्या ने भी जवाब दिया, ठीक है। रेडिकल यूथ सब जो इंडिया से आते थे उन्हें स्कॉलरशिप देते थे कि आओ आओ बैठो बैठो, हम तुम्हारे साथ मिलकर के काम करेंगे, रेडिकलाइज करने का काम, उनको थोड़ा सब कुछ हेल्प प्रदान करने का काम, ये सब चीज हुआ करता था। और इसके साथ कई सारे लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, सावरकर, हरदयाल, लाला हरदयाल जैसे लोग सब जुड़े हुए थे। मदन लाल ढींगड़ा कौन थे, ये आपको याद रखना है, मदन लाल ढींगड़ा जो थे इन्होंने असेसिनेट किया था कर्जन विली को, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन नहीं है जो हम यहाँ पे इंडिया में पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है, मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन जो थे वो कब थे याद है आप लोग को, मैंने आपको इंडिया बताया के था, पार्टीशन के टाइम पार्टीशन के टाइम पे, जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था 1905 में, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ही थे।
तो लॉर्ड कर्जन ये वाले आई गेस नहीं है, लॉर्ड विली, ये कर्जन विली है 1905 के पांजा, बिल्कुल सही। सो लॉर्ड कर्जन, ऑल राइट, लॉर्ड विली, यहाँ पे कर्जन विली है, तो इसे मार दिया गया कर्जन विली को मदनलाल ढिंडा के द्वारा। और धीरे धीरे लंदन जो है वो डेंजरस होने लगता है रिवोल्यूशनरीज के लिए, और सावरकर वगैरह को वहां से निकलना पड़ गया। अल्टीमेटली क्या होता है, पेरिस और जिनेवा को सेंटर बनाते हैं कौन, मैडम भिकाजी कामा, पेरिस और जिनेवा को, ठीक है। वो कौन थी मैडम भिकाजी कामा, पारसी रिवॉल्यूशनरी थी। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है ये अपना बेस बनाते हैं बर्लिन को। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब होने लग गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, गदर पार्टी के बारे में देखते हैं। अरे इसने तो गदर ही मचा दिया था एकदम खतरनाक तरीके से। गदर पार्टी जो है इसका हेडक्वार्टर जो था ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो यूएस में है गदर पार्टी, ठीक है। तो यूएस में जाकर के इन्होंने काम अपना किया था, यूएस में जाके इन्होंने अपना बेस बनाया था, ठीक है। तो गदर पार्टी कहाँ पे बनी थी, तो ये याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एक्स सोल्जर्स थे, पीजेंट्स थे, जो कि पंजाब से यूएसए लाए गए थे या आए थे किसी एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, उन्हें अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिले कुछ मिले, तो इन सब चीजों की वजह से ये आए थे। और बेसिकली इनका काम क्या, देखो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। देखो गदर पार्टी का भी सेम काम था, काम क्या था कि हमारे देश में वापस से अंग्रेजों को भगा करके अपनी सरकार को लेकर के आना, ठीक है, ताकत की मदद से, ये काम था इन लोग का। तो उसके ये लोग प्रयास करते रहते थे, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करनी ही चाहिए। तो क्या होता था, यहाँ पे सोल्जर्स सब रिक्रूट करते थे, सब बढ़िया तरीके से काम चल रहा था, और कई सारे लोग मिलकर के काम कर रहे थे। जैसे कि यदि हम बात करें इधर, तो गदर तो अभी होना है, लेकिन प्री गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी चल रही थी, जैसे कि रामदास पुरी के द्वारा, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, इन सबके द्वारा चल रहा था, ठीक है। बट एक्चुअली आपको ये सारे नाम याद होंगे नहीं, और करना भी मत, फालतू का कितना नाम याद करोगे, ठीक है। हाँ अगर आपको लगता है सब कुछ आपका प्रिपेयर हो गया इसलिए बस, तो कोशिश कर लेना, याद हो जाता है, अच्छी बात है, अदरवाइज कोई इशू नहीं, इसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि इन्होंने स्वदेश सेवक होम को इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड इंडिया हाउस को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बेसिकली जो भी कहो, ये सब किस चीज का, गदर का प्रीकर्सर है। गदर पार्टी को लॉन्च होने से पहले ये सब चीज हुआ था। तो आप ऐसे करना कि कोई भी चीज जब लॉन्च होती है ना, तो उसकी नींव पहले पड़ चुकी होती है, तो नींव है उसकी, नींव पहले पड़ चुकी है। ये यूनाइटेड इंडिया हाउस को स्टेब्लिश करना, स्वदेश सेवक होम को स्टेब्लिश करना, ये सारी चीज आप जितना हो सके याद करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अब देखो गदर प्रोग्राम को किस लिए स्टेब्लिश किया गया, ताकि असैसिनेशन किया जा सके ऑफिशियल्स का, जो ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट किया जा सके। विद एन असैसिनेट का मतलब क्या होता है, असैसिनेशन का मतलब क्या होता है, सर मार देना में जैसे ये हाँ क्या बोलते हैं, हाँ मतलब वही एग्जीक्यूट करना, मारना, असैसिनेट करना, वही सब चीज हो गया। ओके तो बेसिकली गदर पार्टी के पीछे स्पिरिट किसकी थी, देखो मैंने आपको कहा था लाला हरदयाल है ना, हत्या हत्या करना मतलब एग्जैक्ट वर्ड हत्या करना। हत्या करना, एग्जैक्टली हाँ। तो गदर पार्टी के पीछे किसका स्पिरिट था, लाला हरदयाल का, मैंने बताया था, ठीक है। लाला हरदयाल ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बार स्टार मार्क कर लो लाला हरदयाल किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है गदर पार्टी से रिलेटेड है, बहुत अच्छी बात है। लाला हरदयाल के साथ कौन थे, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, ठीक है, बरकातुल्ला और भाई परमानंद, ठीक है, इतने लोग सब थे, ठीक है, ये सब जुड़े हुए थे गदर पार्टी के साथ। इन सब नाम को याद करने का प्रयास करो। देखो लाला हरदयाल आपको वैसे याद करना है, ठीक है, हरदयाल, ठीक है। और इनके साथ हर इंसान पे दया करने वाले कौन होंगे, राजा रामचंद्र ही हो सकते हैं, राजा रामचंद्र भगवान जो है, ठीक है, यही होंगे। तो रामचंद्र और भगवान सिंह ऐसे याद हो गया, ठीक है। और सब चीज के कर्ता धर्ता वही है, भगवान ही कर्ता धर्ता है, तो करतार सिंह सराबा, ठीक है, करतार सिंह सराबा और बरखातुल्ला, ठीक है। जो भी बरखा वगैरह होता है, आपको पता है बारिश को हम बरखा भी कहते हैं। यस सर, जैसे आप लोग वर्षा कहते हो ना, तान्या बरखा साक्षी, बरस रहा। हाँ ये लोग सब वर्षा बोलते हैं, वर्षा ऋतु, हम कहते हैं बरखा हम लोग शौक को खौ बोलते हैं, हमारे इधर शौक की प्रोनाउंसिएशन खौ की होती है, और एक्चुअली में ये अभ्रंश ही नहीं है। इनफैक्ट वेदों में भी हम लोग ऐसा ही कहते हैं, जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जैसे हम लोग की यजुर्वेदीय शाखा है, तो हम लोग का भी वही होता है, हम लोग शौक को खौ ही बोलते हैं, तो वो शुरुआत से ही वो चीज चल रहा है। तो बरखा, कोई हम गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहे, तो बरखा।
तो बारिश जो होती है, बारिश करवाने का काम वही लोग का होता है। और भाई जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है भाई, परमानेंट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली गदर पार्टी से रिलेटेड कौन कौन है याद करने की कोशिश करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, तीन लोग याद करने की कोशिश करो। लाला हरदयाल, ठीक है, हर इंसान पे दया करने वाले कौन है, राजा रामचंद्र। वो क्या है, वो भगवान है। ठीक है, तो रामचंद्र और भगवान सिंह हो गए। वो क्या है, हर चीज के कर्ता धर्ता वही है, तो करतार हो गए, करतार सिंह हो गए। ठीक है, करतार सिंह सरावा, सब चीज के सरवा, सर्व चीज के कर्ता धर्ता कौन है, तो भगवान रामचंद्र ही है। ठीक है, जो कि हर लोग के अंदर हर हर दयाल हर हर किसी के ऊपर दया करते हैं। ठीक है, और उन्हीं की दया से क्या होता है, बरखातुल्ला। ठीक है, बारिश होती है, बरखा होती है, और भाई बारिश होती है तो क्या होगा भाई, परमानंद आ गया। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया सबको। यस सर, आंख बंद करके करते हो कि नहीं करते हो, आंख खोल के रखते हो? आंख बंद किए हुए अभी तक। बहुत अच्छी बात, आंख बंद करोगे जैसे अगर ये कह रहा हूँ तो याद रहेगी चीजें, सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और फिर अगर अभी भूल भी जाओ तो जो दोबारा रीड करोगे ना, तो आपको फटाफट चीजें याद हो जाएगी, लगे अरे ये तो मैंने सुन रखा है, ऐसा फील होगा। ठीक है, तो फिर गदराइट्स जो है इनका काम था। ठीक है, तो बेसिकली ये सब एनकरेज, इनका प्लान ना एनकरेज स्पेशल तब हो गया ना जबकि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक रीजन था, और दूसरा एक था बड़ा ही एक दर्दनाक घटना, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, अब ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट आप लोग को पता है क्या, पहले से पढ़ा होगा तो? पढ़ा है कोमागाटा नो मारू? सर, नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, बड़ा ही दर्दनाक घटना है, आप लोग खुद से एक बार देखना, थोड़ा सा होमवर्क भी करना चाहिए। ठीक है, तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो है उस वजह से बहुत सारे लोग जो है जहाज पे फंस गए थे। ठीक है, इस आप देखना कैसे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे, तो इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और अल्टीमेटली इन्होंने मारना शुरू किया। या पढ़ना कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है, अलग से पढ़ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं से भी पढ़ना, बट कोमागाटा मारू इंसिडेंट को पढ़ना, बट आपको फील होगी मतलब चल क्या रहा था, एकदम सब कुछ अजीब सा फील होगा आपको। ठीक है, जो भी आप क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये करतार सिंह सरावा और रघुवर दयाल गुप्ता जो है ये निकल जाते हैं भारत के लिए और आते हैं यहाँ पर, कांटेक्ट करते हैं रास बिहारी बोस से और सचिन सान्याल से। कुछ याद आ रहा है, रास बिहारी बोस कौन है? रिवॉल्यूशनरी है डेफिनेटली, है ना, रास बिहारी बोस, तो उनके साथ कॉन्टेक्ट करते। अच्छा, रास बिहारी बोस ने और क्या किया था जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी पढ़ा उन्हें, वाई वी हैव रेड रास बिहारी बोस? बोलो बोलो बोलो, कोई है? तानिया इज टाइपिंग। डाकिया डाक लाया, अरे बोलो बोलो बोलो, यू लेट नाउ द क्वेश्चन, बोलोगे क्या चीज बोलोगे? तो दोनों एक ही साथ बोलोगे, दोनों बहन बोलो। क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, इतने देर सुनने के बाद क्वेश्चन क्या था? रास बिहारी बोस जो थे वो कौन थे और क्यों हम उन्हें पढ़ रहे थे अभी? कोई रीजन होगा ना उन्हें पढ़ने का, हम क्यों अभी क्या पढ़े थे उनके बारे में? इतनी जल्दी भूल जाते हो, रिलेटेड टू ब्रदर रिवॉल्यूशन, क्या? रिलेटेड टू ब्रदर रिवॉल्यूशन। वो तो ठीक है, वो तो हम पूरा रिवॉल्यूशन का ही चैप्टर पढ़ ही रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस में बता देगा। एक्चुअल में हमने किन कंटेक्स्ट और किस कंटेक्स्ट में पढ़े थे? कंटेक्स्ट क्या था? ही एस्केप टू जापान। ठीक है, व्हाई ही एस्केप टू जापान? पंजाब, अच्छा, व्हाई ही एस्केप टू जापान? रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी थे, बट कुछ ऐसी घटना हुई थी, याद है इनका आपको, जिमर सर मैन उनको प्लान? सर, हाँ,
जो वो थे अपने बाघा जतिन, उनको हथियार सप्लाई करना था, ठीक है, उसके साथ मिलकर के प्लान बनाना था कि देश भर में हम लोग तहलका मचाएंगे, देश भर में रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो बाघा जतिन के साथ प्लानिंग थी इनकी देश भर में वो करने की। तो उस चक्कर में क्या होता है, इन्हें भी पकड़ लिया जाता है, बाघा जतिन तो मर जाते हैं लेकिन ये एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं ये, और ये चले जाते हैं कहाँ पे, जापान चले जाते हैं, जहाँ पे ये एक गठन करते हैं सेना का। याद है कुछ कि सेना का गठन क्या था इन्होंने? इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ बिल्कुल, इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने गठन किया था। तो राज बिहारी बोस के बारे में इतना सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में छप गया होना चाहिए, ठीक है। तो ये राज बिहारी बोस जो है, ये क्या है अभी, ये कहाँ पे है, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज बिहारी बोस जो है गदर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये सब मतलब एक इंसान कई सारे काम कर सकता है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ आप मेरे साथ भी जुड़े हो सकते हो, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप कहीं और से कहीं कुछ भी कर सकते हो। तो अगर कोई कहे कि सिर्फ आपने अन अकेडमी से पढ़ा है, या आपने सिर्फ बायजूस आईएएस से पढ़ा है, या किसी और थर्ड कंपनी से पढ़ा है, ऐसा नहीं, आप मुझसे बड़े हो सकते हो, इट्स पॉसिबल। सो बात वो है कि सेम ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अब जब ये कुमागाटो मारू इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो है भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। और भारत के लिए रवाना क्यों होंगे, इन्हें अब छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल को कहा जाता है आज टू लीड द मोमेंट, बदला लो, बदला चाहिए हमको, चाहिए बदला, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे फिर से डकैती कुछ की जाती है, पॉलिटिकल डकैती की जाती है ताकि फंड रेस किया जा सके, और पंजाब पॉलिटिकल डकैती की जाती है पंजाब में, ठीक है, बहुत जगहों पे की जाती है डकैती, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पर 21 फरवरी 1915 का दिन फिक्स किया जाता है गदराइट के द्वारा, ताकि हम आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे कहाँ पे, फिरोजपुर में, लाहौर में और रावलपिंडी में, ठीक है, इन सब जगहों पे हम लोग आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, यानी कि हम रिवोल्ट कर देंगे। रिवोल्ट का तो मतलब आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो गदराइट जो है ये लोग प्लान बनाते हैं कब का, 21 फरवरी, 21, हम उसे 21 देंगे ये करके, ठीक है। फ्लाइंग किस मिलेगा उन्हें, फ्लाइंग किस मिलेगा किससे, बम से, बम का फ्लाइंग किस होगा। ऐसे नहीं कहते, आप बम को देखे हो, कैसे कहते हैं मूवी में दिखाते थे, बम को दांत से खींचते थे उसके पिन को और फिर फेंकते थे। तो 21, 21 के साथ, 21 फरवरी के साथ, फरवरी प्यार का महीना, ठीक है, 14 फरवरी ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, और ये 21, 21 फरवरी के साथ, 21 को क्या करते हैं, 21 के साथ बम फोड़ने की साजिश होती है, आर्म रिवोल्ट करने की होती है, फिरोजपुर में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इन सब जगहों पे होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एज यूजुअल कोई इंसान धोखा दे देता है, और अल्टीमेटली इनका प्लान अनसक्सेसफुल, और यहाँ पे ये लोग जापान ये चले जाते हैं, इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। देखो राज बिहारी बोस जो है, दो चीज एक साथ चल रहा है, मैंने आपको बताया कि इन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर प्लान किया, ठीक है, इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि गदराइट मूवमेंट था, ठीक है, तो यहाँ पे गदराइट मूवमेंट था, ठीक है, बट यहाँ पे सेम उधर भी पड़ा था, जापान भाग गए, इधर भी पड़ गया जापान भाग गए, दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, दो अलग अलग जगहों पे है, या आप रिलेट करो इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्हें पकड़ करके जो भी होते हैं रेबिलियस लोग, उन्हें रिलीजियस रेजिमेंट को तो पहली बार तो डिस्बैंड कर दिया जाता है, जिस रेजिमेंट ने भी रिबेलियन किया उन्हें डिस्बैंड कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और 45 लोग को फांसी पे सजा दे दी गई। इतना डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 45 लोग मरे, कितने लोग मरे, एक बेसिक कंटेक्स्ट आपको होना चाहिए कि अनसक्सेसफुल हो गया किसी गद्दार की ही वजह से, ठीक है, तो गद्दार की वजह से अनसक्सेसफुल हो गया। इसमें क्या होता है, राजदारी बोस जो है जापान चले जाते हैं, और यहाँ पे फ्रॉम वेयर ही एंड अबानी मुखर्जी मेड मैनी एफर्ट्स टू सेंड आर्म्स, और बेसिकली अबानी मुखर्जी और ये दोनों मिल करके क्या करना है, हथियार भेजते रहने का प्रयास करते हैं वहां से, जापान से ही। और वैसे जापान का असली नाम पता है क्या है, जैसे इंडिया का नाम भारत है, इंडिया तो वो लोग कहते हैं ना अंग्रेज लोग, वैसे जापान का असली नाम क्या है पता है, पता है किसी को? नहीं। निपॉन, एन आई, निपन की बैटरी आज आप लोगों ने देखी है, निपन की बैटरीज होती थी पहले, NIPPON, निप्पो होता था, निप्पो नहीं होता था। निप्पो होता था ना, हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये निपोन, निपोन जो है ना, ये जापान का एक्चुअल नाम है ये, ठीक है, तो वही चीज, निप्पो की बैटरी, वो जापानी बैटरी हुआ करती थी, तो उसका एक्चुअल नाम जैसे हम भारत है वैसे उसका नाम एक्चुअल निपोन है, निपोन, तो उसी को उन लोगों को प्रोनाउंस किया नहीं गया, तो इन्होंने प्रोनाउंस क्या किया, जापान, जापान, उसे जापान बना दिया बेचारे को, जैसे हम लोग को इंडिया बना दिया इन लोगों ने।
तो आज हम लोग जापान जाते हैं, वैसे उसका नाम एक्चुअल नाम ये है, निप्पॉन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है कि वहां से ये लोग काम करते रहते हैं। तो अब इनके साथ दो लोग आए थे, देखो दो लोग आए थे, कौन कौन से, राज बिहारी बोस आए थे और सचिन सान्याल आए थे। तो सचिन सान्याल को क्या किया गया, लाइफ टाइम के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, मतलब बेसिकली इन्हें सजा दे दी गई जीवन भर के लिए, इनका किस्सा खत्म सचिन सान्याल का। ठीक है, तो ये तो बच गए राज बिहारी बोस, लेकिन सचिन सान्याल फंस गए और ये मूवमेंट हो गया, गदर मूवमेंट हो गया फेल। अच्छा पता है क्या है, यहाँ पे ना गदर मूवमेंट फेल तो हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था हम वो जानेंगे कि आखिर ये फेल हुआ क्यों, आखिर इसका इवेल्यूएशन थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। बट उससे पहले ना एक चीज क्या है कि ये लोग इतने गुस्सा गए ना अंग्रेज लोग सब, कि इन्होंने क्या है कि यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया। देखो एक चीज आपको याद रखें कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास जो किया गया वो क्यों पास किया गया, किस कंटेक्स्ट में पास किया गया, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे किया गया, गदर मूवमेंट के टाइम पे किया गया, या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे किया गया। ठीक है, आपकी चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि गदर के टाइम पे किया गया, गदर के टाइम पे क्यों, क्योंकि इन लोगों ने गदर मचा दिया था, इन लोग की प्लानिंग इतनी खतरनाक थी ना कि पूरे देश भर में तहलका मच जाता, इस वजह से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाना पड़ा ताकि इंडिया को डिफेंस किया जा सके, इंडिया को डिफेंड किया जा सके और गदर मूवमेंट को स्मैश कर दिया जा सके, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जा सके। तो इसमें क्या था कि इसमें कहा गया कि आपको कोई ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, स्पेशल कोर्ट जो है उसमें आपको उसकी सुनवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी और खतरनाक आपको सजा सुनाई जाएगी, एकदम सिवियर सेंटेंस सुनाया जाएगा, कोर्ट मार्शल लगा दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल आपको पता है क्या होता है, हा? मार्शल लॉ इंडिया में पढ़ रखा है आप लोगों ने, मार्शल लॉ, व्हाट इज मार्शल लॉ, पढ़ रखा है मार्शल लॉ आप लोगों ने कि नहीं? मैंने लग जाता है। मिलिट्री अपना वो कर ले लग जाते, मिलिट्री के हाथ में पावर आ जाती है। ठीक है, जब बेसिकली सिचुएशन ऐसी हो कि आपसे संभल ना पाए, ठीक है, भगवान की कृपा से भारत में ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं है, बट अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए तो क्या करेंगे, मिलिट्री को उतार देंगे, कहेंगे अरे तुम्हें जो करना है करो, सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे जो कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट है सबके सब सस्पेंड किए जाते हैं, और चाहे कुछ करे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये सब चीज आपको उस टाइम पर प्रतिबंधित हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता है मार्शल लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट मार्शल ऐसे किया गया कि कोर्ट में वो होगा, कोर्ट के लोग मतलब सैनिक लोग सभी बताएंगे आपके साथ क्या सजा देनी है, तो ये सारी चीज सब किया गया था। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, बड़ा ही एट्रोशियस एक्ट हम कह सकते हैं, बहुत ही डेंजरस एक्ट जो कि अपने इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था, खतरनाक था, खतरनाक। ठीक है, क्लियर है, चलो देखते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं गदर का क्या था आखिर इसमें। देखो सबसे पहली बात, ये गदर ना ये कोई ढंग का काम कर नहीं पाया, इसने मिलिटेंट नेशनलिज्म तो किया, शुरुआत किया, पूरे कंप्लीटली सेक्युलर अप्रोच को लेकर के चला, ये बहुत अच्छी चीज थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग को इसमें साथ में लेने का चलने की बात की गई, बट पॉलिटिकली और मिलिटरली ये ज्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो था ये मजबूत नहीं था, लीडरशिप इसकी कोई अच्छी नहीं थी, और ये ना मतलब अब जैसे देखो अगर मान लो सपोज मैं आपको एक टास्क दूं कि हम चारों को मिल करके पूरे देश के ऊपर कब्जा करना है, ठीक है, हम लोग को लगता है कि देश भर में इतनी सारी समस्याएं हैं, ठीक है, हमें इस समस्या को सुलझाना है, हम चारों का ग्रुप है, संगठन है, बड़े पावरफुल लोग हैं, हम रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, सपोज हम लोग जाते हैं, प्लान बनाते हैं और कहते हैं अब भारत में हम लोग तख्ता पलट करेंगे और हम अपनी सरकार लेकर के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आपके लिए नहीं है, आप वहां पे सरकार में आप जीत करके नहीं जा सकते क्योंकि आपका रेडिकल थॉट इतना ज्यादा है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके पास एक ही चीज है कि आपको सत्ता जबरदस्ती अपने हाथ में लेनी है, क्या करोगे आप कुछ प्लान करोगे, ठीक है, कुछ आर्मी वगैरह से बात करोगे, कहोगे उनसे कुछ ऐसा बात करके ताकि मतलब हम सत्ता परिवर्तन करें तो आर्मी हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि आर्मी कंट्रोल में तो उसका मतलब पूरा देश कंट्रोल में, सिंपल सी बात है, कोई भी देश टिकता ही तभी है जबकि आर्मी उससे कंट्रोल में होती है, आर्मी नहीं तो मतलब देश नहीं, सिंपल सी बात है, आप आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे हम चारों मिलकर के, क्या आपको लगता है हम चार मिलकर वो काम कर पाएंगे, डू यू फील, डू यू थिंक पॉसिबल हो पाएगा ये, बोलो नहीं नहीं सर, विद्यान सोच रहा होगा सर करने को तो क्या नहीं किया जा सकता, कर तो सकते ही है विद्यान
है। देखो तो सेम चीज होता है, अगर मान लो हम करना चाहेंगे हम बहुत कुछ प्रयास कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल हो ही जाएगा। अगर हम आज के समय में कहते हैं अरे कर लेंगे, अगर हम उसमें कहते हैं ना, तो ये हमारी ना एक मूर्खता होगी। क्यों होंगे मूर्खता? क्योंकि हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर रखा है सरकार को। हमें लगता है सरकार तो लुल्लू पुल्लू सी होती है, 5 साल में आज चली जाती है, कई बार उससे पहले भी चली जाती है। सरकार के हाथ में क्या है? एक्चुअल में सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। पूरी इसरो वो कंट्रोल कर रही है, पूरी DRDO वो कंट्रोल कर रही है, पूरी सेना वो कंट्रोल कर रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो इन्होंने ना क्या किया था, सरकार को अंडर एस्टिमेट कर लिया था और अपना प्रिपरेशन ढंग से हर लेवल पे कर नहीं पाए थे। जैसे हमें अगर कभी अगर देश के ऊपर कब्जा करना हो तो हमें हर लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। छोटे से हमें पहले तो ब्रेन वॉश करना पड़ेगा लोग को। ब्रेन वॉश कोई खराब चीज नहीं है। आज भी हम लोग नेशनलिज्म के लिए ब्रेन वॉश दिए, नेशनलिज्म के लिए जो मरने के लिए तैयार है वो ब्रेन वॉश है, सिंपल सी बात है। जो कोई अपने रिलीजन के लिए मरने को तैयार है वो तो ब्रेन वॉश है, जो सेक्युलर है वो ब्रेन वॉश है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपका कोई थॉट है तो वो ब्रेन वॉश थॉट ही है। भले आप सेक्युलर हो तो आपका सेक्युलर थॉट ब्रेन वॉश है, आप कम्युनल हो आपका कम्युनल थॉट ब्रेन वॉश है, आप नेशनलिस्ट हो आपका नेशनलिस्ट थॉट ब्रेन वॉश है, आप रिलीजियस हो आपका रिलीजियस थॉट ब्रेन वॉश है, आप मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड हो तो आप उस वजह से ब्रेन वॉश हो। चाहे कोई भी मनुष्य हो वो ब्रेन वॉश होता है, डिपेंड करता है किस चीज से ब्रेन वॉश हो रहा है ना। आप साबुन से धो रहे हो कि सर्फ से धो रहे हो ये डिपेंड करता है। आप नहाने वाले साबुन से धो रहे हो कि सर्फ एक्सल साबुन से धो रहे हो, कपड़े धोने वाले साबुन से, या पांच भाई साबुन आता था पहले एक जमाने में उससे धो रहे हो? यूज किया कभी पांच भाई साबुन? कपड़ा धोने वाला पीले कलर का होता था। पहली बार हाँ सुनी, पहली सुना। अरे एक बहुत मोटी सी टिकिया होती थी पांच भाई साबुन से, गूगल सर्च करना और वो बहुत मोटा सा एकदम लगता था कि किसी के सिर पे मार दो तो सर फट जाए, इतना मोटा हुआ करता था, एकदम मोटा सा हुआ करता था और पीले कलर का हुआ करता था साबुन, एकदम अजीब सा लगता था। उससे कपड़े साफ किए जाते थे पहले, बहुत पहले की बात है ये। उस टाइम पे मार्केट में इतना सब कुछ नहीं था। सो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे किसी ना किसी लेवल पे। तो वो चीज है, क्या मैसेज है, पंजाब में बांटा होगा। ओके आई डोंट नो क्या, ठीक है। दिल्ली वगैरह में खूब बिकता था पांच भाई साबुन, बाद में पांच राही आ गया, बहुत सारे आए गए, ठीक है। ओके ओके अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको हर एक लेवल पे प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, हर एक लेवल पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब कि सबके सब, अगर मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा मैं आपको ब्रेन वॉश अच्छे से कर सकूं, और इस तरीके से करूं ताकि आप लोग के मन में बिल्कुल भी शक ना हो, ठीक है। आज सिंपल सी बात है, जितने कोचिंग वाले हैं सबके सब आपको ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, ठीक है, सबके सब ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम मूर्ख होते हैं। बच्चे तो भाई मूर्ख होता है, उन्हें तो क्या कहते हैं, जो आप जिस सांचे में ढालना चाहोगे उस सांचे में ढल जाएंगे वो। तो वो लोग क्वेश्चन करना नहीं सिखाते, वो लोग अपनी बात को इंडॉक्ट्रिनेट करने का प्रयास करते हैं, वो लोग डिस्कशन नहीं करते। एक थॉट को खाली हम दिमाग में घुसा घुसा के घुसा घुसा के घुसा घुसा के इंसान को बर्बाद कर देंगे, वो चीज होता है। सब कोई वही करता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। आज जो मैं आपको अपना थॉट बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग यू, ठीक है। लेकिन हाँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ब्रेन वॉश हो रहे हो आप लोग, कोई आपको नहीं बताता है, डिफरेंस अपना है, ठीक है। और हर इंसान ब्रेन वॉश हो रहा होता है, कर रहा होता है। मुझे भी बहुत लोग ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसे कोई ब्रेन वॉश ना कर रहा हो, सबका वही चीज है। तो अब क्या है, आपको ब्रेन वॉश करना है, उसके बाद लोगों को पता ना चले इस हिसाब से करना है, उसके बाद उन्हें मोटिवेट करना कि आप ये काम करो, और इस तरीके से प्लान करना ताकि सब आदमी को पता ना चले। अगर विद्वान को मैंने कोई टास्क दिया है तो वो टास्क तान्या को नहीं पता होना चाहिए, तान्या को जो टास्क दिया है वो साक्षी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन गद्दार निकले, हमें नहीं पता, ठीक है। आप में से चारों, और उसके बाद ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई गद्दारी करने का प्रयास करता है तो उसे वहीं पर ठोक दो। अगर साक्षी कुछ ऐसा कोशिश करते हैं कि साक्षी को शक हो जाता है कि सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं सर के दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है, चलो मैं सर की बातें आगे बता देती हूँ सरकार में, साक्षी बताने का प्रयास करेगी, मैं सीधा सीधा इसके ऊपर बिठाए रखूंगा जासूस को, कहूंगा उड़ा दो इसे वहीं पे रास्ते में, ठाक वहीं पे साक्षी गई, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपको हर लेवल पे प्रिपरेशन करनी होती है कभी भी, और ऐसी प्रिपरेशन बड़ी डेंजरस हो सकती है। मैं कहने के लिए तो बड़ी आसानी से ये सब चीज कह रहा हूँ, एक्चुअली में चीज बहुत डिफिकल्ट है, यू कैन इमेजिन दिस, है ना। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे प्रिपरेशन में कमी रह गई, काफी ज्यादा प्रिपरेशन ये लोग नहीं कर पाए। और दूसरा पता क्या कहा जाता है, लाला हरदयाल जो थे ना, ये अपने ऑर्गेनाइजर के रोल के लिए ना सूट करते ही नहीं थे, लाला हरदयाल उस लायक थे ही नहीं कि ये सब चीजों को कर पाए, सीधे साधे रहे होंगे। आई डोंट नो, इनके बारे में डिटेल तो नहीं पता, बट इनके बारे में कहा जाता है कि ये अनसुटेड थे इस जॉब के लिए, ये जॉब को सूट नहीं करते थे ये इनको। तो ये चीज था आपका, क्लियर है गदर मूवमेंट पूरा।
कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है। आज की क्लास में मजा आ रहा है क्या? यस सर। मुझे तो क्योंकि बहुत मजा आ रहा है आज की क्लास में। यस सर। ठीक है ठीक है। विद्या सो चुका है क्या? इतने देर से कोई जवाब नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं विद्यान, पता नहीं लेक्चर जाएगा अभी कि नहीं जाएगा, आई डोंट नो, बट यस सर विद्यान सो चुका है। ओके ओके दाना, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं, चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। और ये तो हम लोगों ने सारा का सारा देखा, कुछ और देखते हैं। कुछ और रिवॉल्यूशनरी जो यूरोप में और हुए थे उनको देखते हैं। जैसे कि एक बर्लिन कमेटी को स्टैब्लिश किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए स्टैब्लिश किया गया। किसको? बर्लिन कमेटी को। ठीक है। बर्लिन कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली जर्मनी में है, ये चीज हम लोगों ने देखा। तो जर्मनी में क्या बर्लिन? तो बर्लिन कमेटी को स्टैब्लिश किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए किया गया। स्टैब्लिश कब हुआ? 1915 ईस्वी में। याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में धीरे धीरे जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद थोड़ा बहुत होने लगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो बर्लिन कमेटी स्टैब्लिश किया गया किसके द्वारा? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। यह मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, थोड़ी देर ऊपर भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को बर्लिन कमेटी स्टैब्लिश किया इन्होंने, किसके साथ मिलकर? भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ, लाला हरदयाल के साथ, बाकी लोग के साथ भी मिलकर के। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और जिमरमैन प्लान इन्होंने बनाया, वही जिमरमैन प्लान जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें कि बाघा जतिन मर गए, जिसमें कि रास बिहारी बोस जो है इन्हें जापान भागना पड़ा था, और जो कोडकुमागाटा मारू इंसिडेंट के बाद जो आए थे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए सबको, वो सब चीज हुआ था। तो सेम चीज है यहाँ पे, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं बची। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ना कुछ यूरोप में इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने मिशन भेजा अलग अलग जगहों पे, बगदाद में, पर्शिया में, टर्की में, काबुल में, हर जगह पे जहाँ पे इंडियन लोग सब काम कर रहे थे, इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है बता सकते हो आप लोग मुझे? प्रिजनर ऑफ वॉर, व्हाट डू मीन बाय प्रिजनर ऑफ वॉर? प्रिजनर व्हाट डू मीन बाय प्रिजनर ऑफ वॉर? कौन बताएंगा? किसी को नहीं पता प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब? प्रिजन मतलब होता है जेल। जाते दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं। पीपल हु आर लेफ्ट आफ्टर वॉर एंड आर जेल्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा तान्या, 100%। आपको मिलते हैं, आपको नहीं मिलता है एक लानत, वरना मैं कहता आपको मिलती है 1000 लानतें। ठीक है, ना पता होने की वजह से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको कोई लानत नहीं मिलेगा। मोमोज। ठीक है ठीक है। मोमोज में आप कभी जीटीवी नगर गए हो क्या? जीटीवी नगर गए हो क्या आप लोग? यस सर। वहां पे एक मोमो वाली बड़ी फेमस हुई है, पता है आपको? वायरल हुई है काफी ज्यादा एक मोमो वाली, वहां तो रहते थे। ओके 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 ओके। ठीक है, वहां पे एक मोमो वाली बड़ी फेमस हुई है, उसके साथ मेरी दोस्ती है। अब चाहो तो वहां पे मोमोस खा के आ सकते हो, थोड़ा सस्ता लगा देगी। ठीक है चलो। क्या है ये? ओके हाँ ठीक है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा बोला। ऑलराइट। फ्री चाहिए? फ्री मिलेगा, पैसे ना दो उसे। कोई मेरी जिगरी दोस्त भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मतलब हाँ दोस्त बने थे, दोस्ती हुई थी, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। वायरल होने के बाद दोस्ती बनी, पता है? जो वायरल हुई उसके बाद मैंने उससे दोस्त बनाया, ताकि मोमोज खाने को मिले। ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ इन लोगों ने एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है ये डालने को, सही है सर बिल्कुल। अरे हम ऐसे ही करते हैं, जहाँ फायदा दिखता है वहां पे चले जाते हैं। ठीक है। तो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को कहा गया कि मतलब एंटी ब्रिटिश फीलिंग उनके अंदर डालने की प्रयास की गई, ये सब चीज किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मिशन जो है वो शुरू किया गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, बरकतुल्ला के द्वारा, उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा। इन तीनों को मिलकर के कहा गया काबुल जाओ, वहां पे प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना करो विद द हेल्प ऑफ क्राउन प्रिंस अमानुल्ला। देखो बड़ी जबरदस्त चीज, हम लोगों ने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए कुछ स्पेशल काम किए। जैसे कि क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने अपना
यहाँ पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर लिया, कहाँ पे, काबुल में, ठीक है। कैसे, क्या किया था, प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से हम लोगों ने स्टेब्लिश किया, तो काबुल से किया। किसके द्वारा किया, तो देखो हम लोगों ने प्रिजनर ऑफ वॉर सबको एक साथ मिला करके सब चीज प्लान किया, और कुछ दो तीन लोग थे उन्होंने मिशन चालू किया। कौन कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हम नाम सुन के लग रहा है हाँ कोई बड़ा आदमी रहा होगा, ठीक है, राजा महाराजा रहा होगा, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उसी के दिमाग में ऐसे ख्याल आ सकते हैं, ठीक है, बरकातुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी, इन तीनों ने मिलकर के किया। अब देखो यहाँ पे बरकातुल्ला, हम लोगों ने नाम अभी देखा था थोड़ी देर पहले, किस चीज के देखा था बरकातुल्ला, नाम किस कंटेक्स में देखा था बरकातुल्ला को, किस कंटेक्स में हम लोगों ने बरकातुल्ला को देखा था, व्हाई वी हैव रेड बरकातुल्ला, कुछ याद नहीं है, कहाँ हो आप लोग बरखातुल्ला को देखने वाले, गदर पार्टी में ही देखा था, एग्जैक्टली। बहुत सारे नाम हम लोगों ने देखे थे, लाला हरदयाल वगैरह सब के बारे में, ठीक है, तो ये वही बरखातुल्ला है, ठीक है। तो महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और बरखातुल्ला और उबैदुल्ला, इन तीनों को भेजा जाता है। ओ भाई सुन 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 सुन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, ओ भाई ओ बारिश, बारिश देखो बारिश करवा देंगे जाकर के, भारत का प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देंगे जाकर के, ठीक है, प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, काबुल में, किसकी मदद से, वहां के क्राउन प्रिंस की मदद से, जिसका नाम था अमानुल्ला, ठीक है, अमानुल्ला, अमन पसंद उल्ला, ठीक है, अमानुल्ला, ऐसे याद करने की कोशिश करो, अमानुल्ला, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, अमन नाम का मुल्ला या फिर अमन पसंद मुल्ला, ऐसे कर लो आप। मुल्ला जो है कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, पता, आज लोगों ने डेरोगेटरी बना दिया है, वरना जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है पंडित, वैसे ही मुस्लिम्स में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है मुल्ला, ठीक है, आज लोग उसे डेरोगेटरी वर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बात एक अलग है, बट मुल्ला इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड, मुल्ला इज अ वेरी रिस्पेक्टेड वर्ड, ओके। सो अमानुल्ला, ऐसे याद करो, अमन पसंद मुल्ला, ठीक है। तो उनकी मदद से, वो क्राउन प्रिंस, उनकी मदद से क्या हुआ कि इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। कौन कौन थे इसमें, दोबारा से देखो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, बरखातुल्ला, ठीक है, और उबैदुल्ला, ओ भाई दुल्ला, इधर आ उबैदुल्ला, इधर ऐसे जो भी, ठीक है, अपना याद हो जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अब देखो एक लास्ट बच रहा है, म्यूटिनी इन सिंगापुर, सिंगापुर में म्यूटिनी हुई, छोटा सा म्यूटिनी हुआ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप देख लेना क्या है, और जगह जगह पे म्यूटिनी हो रहा था, तो सिंगापुर वालों ने भी कर दिया छोटा सा, ठीक है। तो ये चीज है, अल्टीमेटली डिक्लाइन क्यों होता है, ये रीजन हमें देखना है। डिक्लाइन का रीजन ये है कि यहाँ पर एक तो ये कमजोर हो चुके थे, ठीक है, और यहाँ पे पैशन कम हो गया था इनके अंदर का, कुछ ज्यादा कुछ हम अचीव कर नहीं पा रहे थे। फिर मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बातें उठ गई थी, वो आएगा, आपको पता है कि उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप टेंशन ना लो, हम कुछ अच्छा करेंगे। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, उस गुस्से थे ये लोग, ठीक है, लेकिन फिर आ गया क्या आपका मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो आने वाला था 1919 में, तो इस वजह से उसके बारे में बात चलने लगी कि नहीं नहीं हम आपको पावर देंगे, आपको घबराना नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपकी मदद करेंगे, हम एक अच्छा गवर्नमेंट लेकर जाएंगे, तो ये सारी बात होने लग गई। साथ में फिर गांधी जी का भी अराइवल हो गया, सब चीज हो गया, उनकी बातों का आ गया, तो कुछ रीजन, अगर कोई रीजन पूछे तो गांधी जी का आना, ठीक है, मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में बात करना, और इन लोग का बहुत ज्यादा कुछ अचीव ना कर पाना, बार बार फेलियर होना, एक रीजन ये भी है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे ये काफी ज्यादा थक भी गए थे, इनका पैशन भी कम हो गया था, तो वो सब चीज है। तो बेसिकली ये सारी घटना है, और आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया, यस सर, चलो ठीक है, फिर बता दो इंडियन डिफेंस एक्ट जो है वो कब पास किया गया था, किस कंटेक्स्ट में। मार्च 1915। वाह, दिमाग में एकदम छपा हुआ, क्यों क्यों पास किया गया था, गदर पार्टी की वजह से। गदर पार्टी के बारे में, उसमें ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें क्या था इंडियन डिफेंस एक्ट में, ट्रायल मतलब ऐसे लोगों को पकड़ा जाता था बिना ट्रायल के। एग्जैक्टली, बिना ट्रायल के उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, उनको बोलने का कोई मौका नहीं, व्हाइट जज ही होंगे, उनको जो सजा मिलेगी वो भी कठोर सजा मिलेगी, मार्शल लॉ टाइप लग जाएगा उधर, ये सारी चीजें, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिल्कुल सही कहा तान्या, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ,
ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। आई होप मजा आया होगा आप लोग को इस चैप्टर में। ये चैप्टर पता है थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस चैप्टर में नाम सब बहुत सारे थे और हम लोगों ने बहुत सारे नाम याद करने का प्रयास किया, बहुत सारे कर भी पाए। एक बार आपको और पलटना है इसे, ठीक है? एक बार और पलटोगे ना इस किताब को, इस चैप्टर को, तो आप आराम से कर पाओगे, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़िए। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तो उस टाइम पे इन लोगों ने ये किया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, बट कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, नेशनलिस्ट लोग क्या कर रहे थे, इनके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए ना। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आपका ये सब चीज शांत हो गया, ठीक है? इन सबको मारपीट करके भेज दिया गया, एक्सट्रीमिस्ट का टाइम खत्म हो गया, ठीक है? सबको जेल में डाल दिया गया। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा था, कांग्रेस कैसे कर रहे थे, नेशनलिस्ट लोग का रिस्पॉन्स क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, 1914 से 1919 के बीच में। इस समय इनका क्या था रिस्पॉन्स कांग्रेस का या बाकी नेशनलिस्ट लोग का, वो सब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? देखो तीन फोल्ड में इनका आता है रिस्पॉन्स। पहला तो क्या है, मॉडरेट जो है ये एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। देखो मॉडरेट हमेशा सपोर्ट करेंगे किसका, जो अंग्रेज सरकार होगी उनका। तो जितने ही मॉडरेट आपको लीडर्स मिलते हैं वो सबके सब आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है आप जाओ, बहुत अच्छी बात है, आप वर्ल्ड वॉर में जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाओ और जा करके आप दुश्मनों को हराओ, ये हमारी ड्यूटी है, हमें आपकी मदद करनी चाहिए, ये चीज था। तिलक जो है, तिलक क्या है, ये वॉर एफर्ट को सपोर्टेड द वॉर एफर्ट इन मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटेन वुड रीपे इंडिया लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो तिलक वैसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तिलक झांसे में आ गए, एक्सट्रीमिस्ट तिलक जो है वैसे सपोर्ट नहीं करते, पर झांसे में आ गए। किस चीज के झांसे में, इन्हें लगा कि जो अगर हम वॉर में इनकी मदद करेंगे ना तो ब्रिटिशर्स शायद हमें रीपे करें इंडिया की लॉयल्टी को, ग्रेटिट्यूड को, सेल्फ गवर्नमेंट हमें दे करके। तो पता है यही होता है, तो सीधे सारे लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारी मदद करेगा, और झांसे में आ जाते हैं, कोई हमें उल्लू बना जाता है। पर एक्चुअल में हम, हमारे साथ में होता नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा कर लेता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो सेम तिलक के साथ हुआ, तिलक जो है फंस गए यहाँ पे, और अल्टीमेटली ये इनका अनसक्सेसफुल हुआ, इनका जो थॉट था ये काम नहीं आया। तो ये दोनों के दोनों ने क्या किया, मॉडरेट एक्सट्रीमेट दोनों ने क्या किया था, इन्हें सपोर्ट किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बोथ हैव सपोर्टेड द गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप लोग को लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता, एक सेकंड के लिए मॉडरेट को मान सकता पर एक्सट्रीमिस्ट को नहीं मान सकते कि वो ऐसा कर सकते हैं, अरे भाई वो भी वही किए थे, ठीक है? तो ये चीज आपको ना ध्यान रखना है कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, ऐसी चीजें कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से ना पढ़ा हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों सब सपोर्ट करते हैं, बट रिवॉल्यूशनरी डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू वेज वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। इन रिवॉल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जंग छेड़ देंगे, बुरी तरीके से देश को आजाद करवा लेंगे। तो ये रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने किया था ये काम, ठीक है? ये खास बात है, जबरदस्त बात है, बट अल्टीमेटली हम लोग फेल कर जाते हैं उसमें। हम लोगों ने देखा कैसे फेल करके हर में कोई ना कोई गद्दार निकला और अल्टीमेटली हम लोग का काम तमाम हो गया। इसलिए यदि मैं कोई प्लान बनाऊं और उसमें आप में से कोई भी गद्दारी करने की कोशिश किया तो वहीं पे ठोक दिया जाएगा, ठीक है? आपको भी सर ऐसे में हम आपके साथ कभी दिन नहीं जाओ हम ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे सर, ऐसे में हमें हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। बहुत अच्छी बात है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, बर्लिन में क्या होता है, गदर पार्टी में क्या होता है, सब हम लोग देख लिया। होम रूल मूवमेंट हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? होम रूल लीग क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुआ था, ठीक है? लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी। हाँ, इसमें दो तीन नाम और है वो ध्यान रखते हैं, जैसे कि जीएस खपरदे, ठीक है, एस सुब्रमण्य अय्यर, जोजा बाप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। देखो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बनता है, अगर मैं आपसे कहूं कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज दी पार्ट ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट, आपका दिमाग ठनकेगा, मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल मूवमेंट का पार्ट, ना ना ऐसा नहीं हो सकता, तिलक और जिन्ना एक साथ, आई कैन नॉट इमेजिन दिस, ठीक है? बट यस, मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो उसका पार्ट था होम रूल लीग का, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए या मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जहां पे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये भी पार्ट था होम रूल लीग मूवमेंट का, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ये चीज दिमाग में छाप लो, जिन्ना वॉज द पार्ट ऑफ होम रूल लीग, ठीक है, दिमाग में छप जाना चाहिए अच्छे तरीके से। ओके, तो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे, देखो ऑब्वियस बात है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है, जी एस खापरदे, ठीक है,
एस सुब्रमण्य अय्यर, जोसेफ बाप्तिस्ता और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, एस सुब्रमण्य अय्यर जो है ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, कुछ ऐसा देखा था क्या सुब्रमण्य अय्यर को, कुछ याद आ रहा है? क्या इस अय्यर को, एस सुब्रमण्य अय्यर को हम लोगों ने पहले कहीं देखा था क्या, याद आ रहा है कुछ? सर? नहीं, सुब्रमण्यम शिवा को देख। शुभ्रम, वो दूसरे सुब्रमण्यम थे, मैंने इसी वजह से कहा ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो सुब्रमण्यम दूसरे थे जो कि मतलब हम जहाज बनाने का काम किया था, मतलब अपना स्टीम इंजन वगैरह सब बनाने में काफी काम किया था, वो सब काम किया था, वो अलग सुब्रमण्यम थे और ये अलग है। ठीक है, तो जी एस खपड़दे, ठीक है, खपड़दे, खप्पड़ दे, खप्पड़ में खून पी जाऊंगा। आपने सुना होगा ना कि काली माता जो है खप्पड़ में खून लेकर के उसको रक्त बीज को मारी थी, उनका खून पी जाती थी, रक्त बीज था उसको गला काटती थी, तो रक्त बीज जो है उसका खून जैसे जितना टपकता था, उस जितना बूंद खून टपकता था उतने राक्षस, उतने रक्त बीज तैयार हो जाते थे। तो अल्टीमेटली क्या कि खप्पड़ में गला काटने का, खप्पड़ में डालती खून, डालती खप्पड़ में और खप्पड़ को पी जाते उस खून को, तो खप्पड़ दे, ठीक है, कहते खप्पड़ दे मैं भी पीऊंगा खून इन लोगों का, अंग्रेजों का। तो तिलक यानी बेसेंट, खप्पड़ दे, ठीक है, सुब्रमण्य अय्यर, जोसेफ बाप्तिस्ता, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे कुछ लोग थे। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, होम रूल लीग मूवमेंट शुरुआत क्यों हुआ, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। होम रूल लीग मूवमेंट शुरुआत क्यों हुआ, क्योंकि नेशनलिस्ट को लगने लगा कि भाई ये तो अब किसी काम के है नहीं, और तो नेशनलिस्ट सेक्शन से ही कुछ लोग सब टूट गए, कुछ लोग सब एस्टिमेट शुरू से थे जिन्हें लगता था ये किसी काम के नहीं है, मॉडरेट किसी काम के नहीं है, मॉडरेट को लगा कि भाई मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है वो किसी काम का नहीं है, मतलब मॉडल मिंटो रिफॉर्म से शायद हमें कुछ मिला, बाकी लोग उस बात से एग्री नहीं थे। सेम बात है, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट सिंपल सी एक बात, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पीपल वर फीलिंग द बर्डन ऑफ वॉर टाइम मिजरीज कॉस्ट बाय हाई टैक्सेशन एंड राइज इन प्राइसेस एंड वर रेडी, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, लोग को लगने लगा कि भाई लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे हमारी मिजरीज बढ़ रही है, टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया है, और बिना, देखो कभी भी युद्ध पे आप जाना चाहते हो तो आपकी टैक्सेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपका खजाना एकदम भरा हुआ होना चाहिए, यदि आपका खजाना नहीं भरा ना तो आप युद्ध पे कभी नहीं जा सकते। इसलिए कभी भी अगर आप लोग को किसी के साथ लड़ाई करनी हो ना, पहले अपनी जेब को गर्म रखना, उसके बाद आप किसी से लड़ाई करना। मैं भी जब किसी से लड़ने के लिए जाऊंगा ना, ठीक है, मान लो मैं सोचूंगा कि मुझे इसे मर्डर करना है किसी का, तो तब करूंगा जब मेरे जेब में पैसा हो, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैं उसका मर्डर कर दूं तो मुझे कोर्ट में अगर जाऊं तो मैं बेल लेकर के वापस आ सकूं, मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए क्रिमिनल केस में। मैं तब जाऊंगा जब मुझे विश्वास होगा कि मैं किसी बड़े वकील को हायर कर सकता हूं जो मुझे डिफेंड करेगा, मुझे, मैं उसे मार दूंगा उसके बाद भी मुझे डिफेंड करेगा वो, मुझे मेरे जेब में उतना पैसा होना चाहिए। वैसा करूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, आदमी नहीं हूँ सॉरी, शांति प्रिय मनुष्य हूँ, आई एम नॉट आदमी। तो देखो, अब देखो क्या है कि यहाँ पे सेम का सेम टैक्सेशन काफी ज्यादा बढ़ने लग गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा ताकि उन्हें अपना खजाना मजबूत करना है, हर चीज का दाम बढ़ने लगेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब भी वॉर होगा तो दाम तो बढ़ेगा ही हर चीज का, तो इस वजह से लोग के मन में असंतुष्टि थी, और लोग के मन में धीरे धीरे जो है इंपीरियलिस्ट जो भावना थी उसके खिलाफ हमेशा वो बढ़ रहा था, प्रोपेगेंडा सब बढ़ाया जा रहा था, व्हाइट सुप्रीमेसी का जो मिथ है ये एक्सपोज हो रहा था। व्हाइट सुप्रीमेसी क्या था कि व्हाइट लोग कभी हार नहीं सकते ऐसा लगता था, ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिला जहाँ पे कि व्हाइट लोग सबकी हार हुई, ठीक है, बड़े जबरदस्त तरीके से हुई। तो इस वजह से एनी बेसेंट और तिलक में लोगों ने, ये दोनों ने मिलकर के काम कर लिया, हमें पता है तिलक का कैसा था और इसका कैसा था, दोनों का लीग का डिफरेंस क्या था हम लोगों ने बहुत बार देख लिया, दो तीन बार हम लोगों ने देख लिया, तो अभी दोबारा से नहीं देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि एनी बेसेंट ने दो न्यूज़पेपर लॉन्च किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शी कैंपेन थ्रू हर न्यूज़पेपर्स, वो अपने एनी बेसेंट दो न्यूज़पेपर के थ्रू अपना कैंपेन करती थी जिसका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, न्यू इंडिया नया भारत और कॉमनवेल्थ, देखो कैसे कर सकता है, एनी बेसेंट थी विदेशी महिला, ठीक है, इनके लिए नया भारत था, ठीक है, हम लोग अगर कोई कहे ना कि हम नया भारत बनाएंगे तो इंडियन लोग सब गुस्सा करेंगे कि नहीं नहीं हमें तो पुराना भारत चाहिए, एक्चुअल में कोई भी अगर राष्ट्रवादी होगा वो पुराने भारत के बारे में कहेगा, वो नया भारत नहीं चाहेगा, उसमें कुछ चेंजेस जरूर चाह सकता है लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहेगा, तो नया भारत नहीं। लेकिन आप ऐसे करो कि विदेशी थी एनी बेसेंट तो नए भारत की कल्पना वही कर सकती है, क्योंकि वो उतना ज्यादा नहीं जुड़े थे, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पता चल दिल पे ले लो इस चीज को। तो न्यू इंडिया नया भारत और कॉमनवेल्थ, ठीक, कॉमनवेल्थ, ये दो चीज, सामान्य वेल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके थ्रू अपना ये किया करती थी और पब्लिक मीटिंग वगैरह किया, सब कुछ किया, और इसमें बहुत सारी चीजें की इन लोगों ने मिलकर के, आपको सारी कहानी बाकी सब पता है इसमें, और ये सब कुछ आपको पता है, तिलक कलीग कैसा था। इसमें देखो दो तीन नाम आपको फिर से ध्यान में आने चाहिए, देखो क्या चीज है कि
ये सबसे पहली बात ना, तिलक ने अपना पहला होम रूल लीग कहाँ पे किया था, बेलगाम में। बेलगाम में अपना पहला होम रूल की मीटिंग की थी। अच्छा बेलगाम से कुछ याद आ रहा है क्या, बेलगाम कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो? बेलगाम बेलगाम बेलगाम, हम लोगों ने बेलगाम का नाम क्यों लिया था, लिया था भी कि नहीं लिया था? गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1924 बिल का, गांधी कौन? जी आईएनसी गांधी प्रेसिडेंट जी ने अपना पहला सेशन कौन सा, कहाँ पर अटेंड किया था? उन्नीस पहला तो सौ 1901 में गया, लेकिन प्रेसिडेंट तो 1924 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बट बेलगाम मैंने इस वजह से कहा कि गांधी जी की वजह से ज्यादा फेमस है, कि फर्स्ट टाइम वहां पर उन्होंने अटेंड किया था, तो ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी है आप लोग को। ठीक है, सो बेसिकली बेलगाम में इनका पहला मीटिंग हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो जो मैं आपको कह रहा था कि कहाँ पे थे, तो महाराष्ट्र में ये रेस्ट्रिक्टेड थे एक्सेप्ट दी बॉम्बे सिटी, बॉम्बे में नहीं थे एक्टिव। बॉम्बे में जिन्ना और वो उनके साथ एनी बेसेंट लोग सब वो थे, ठीक है, वो लोग काफी ज्यादा पॉपुलर थे। तो महाराष्ट्र में थे एक्सेप्ट बॉम्बे, बाकी कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस कहाँ पे होगा, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश वगैरह के एरिया में, ठीक है, और बिरार में, ठीक है, इन जगहों पे इनका पॉपुलर था। इनके टोटल 6 ब्रांच थे, ये आपको याद होना चाहिए कि टोटल 6 ब्रांच थे इनके, और इनका डिमांड क्या था, स्वराज्य का डिमांड था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट का डिमांड था। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि तिलक इन द होम रूल वॉज प्रोपगेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। आप कहोगे ना ना ऐसा नहीं हो सकता, लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपको ऐसा फील होगा ना, अगर मान लो आज के, अच्छा आपको पता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन कौन से कमेटी फॉर्म किए गए थे लिंग्विस्ट को बेसिस बनाना चाहिए कि नहीं? धार कमीशन, फजल अली कमीशन, सुना है नाम सब? जीवीपी नाम सुना है, पॉलिटी में पढ़ा है? धार कमीशन, जीवीपी कमेटी, फजल सॉरी अली, नहीं? चलो पॉलिटी में पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको लगेगा शक हुआ कि हाँ तिलक ऐसा काम कर सकता है क्या, आई कैन नॉट बिलीव दिस, कि मतलब वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं मान सकते हम, ठीक है। सुना है, ऑल राइट, ठीक है। तो बेसिकली तिलक ने इस चीज का सपोर्ट किया था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे तिलक ने सपोर्ट किया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर वॉइस नहीं आती क्या? साक्षी आवाज तो नहीं आ रही थी अभी, तो वैसे इतनी देर से आ रही थी बट अभी नहीं आई आपकी आवाज, अगर आपने कुछ बोला तो एक बार दोबारा बोल के देखो तो। दोबारा बोल तो कुछ जरा। बोलो। सर अभी सब जगह तो सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ मुझे वही पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रहा था, बैकग्राउंड में लग रहा था कि कोई कुछ अपना कड़बड़ कड़बड़ बातें कर रहे हैं उधर, तो ऐसा मुझे फील हो रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आपको क्या याद रखना है कि इनकी 6 ब्रांचेस थी, ठीक है, इनके होम रूल की, ये 6 नंबर आपको याद होना चाहिए, 6 का 7 मत कर देना, ठीक है, 6 का 9 मत कर देना उल्टा, ठीक है, 6 को उल्टा लिखोगे 9 हो जाएगा, ये काम नहीं करना, 6 को 6 ही रहने देना है। सो बेसिकली क्या है, इसकी 6 ब्रांचेस थी टोटल, और इनकी डिमांड थे स्वराज्य का, और इन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो ये कंफ्यूज आपको कर सकता है, ये स्टेटमेंट मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक स्पेस पे। अब रीजन दे देता हूँ क्यों, क्योंकि इनका कहना था कि भाई अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा तो लोग सर अपनी भाषा को प्रिजर्व कर पाएंगे, और अपनी भाषा में लोग को चीजें अच्छे से समझ में आती है, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर एजुकेशन मिलेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से, तो इस वजह से इसके सपोर्ट में थे, ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है इस चीज को लेकर के, ये बिल्कुल हाँ लिंग्विस्टिक स्टेट के सपोर्ट में थे। बेसेंट का लीग कैसा था, सिंपल सी बात है, ऑल इंडिया होम रूल लीग था, आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है, और यहाँ पे बॉम्बे था इनके अंडर में, लेकिन बाकी और महाराष्ट्र नहीं था, इनके लगभग 200 ब्रांचेस थे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 200 याद रखने की कोशिश करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन तिलक के अकॉर्डिंग इनका लूजली ऑर्गेनाइज था, इनका ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं था। देखो ऐसी क्या बात है, छोटा ऑर्गेनाइज होगा, छोटा अगर मान लो होगा ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, और बहुत बड़ा होगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की समस्या आएगी,
ये स्वाभाविक बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अरुण डले, ठीक है। जॉर्ज अरुण डेल कहते हैं, अरुण डले कहते हैं, जैसे कह लो। जॉर्ज अरुण डेल जो है ये इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, तो जॉर्ज अरुण डले, अरुण डेल जैसे कह लो, ठीक है। जॉर्ज अरुण डले कैसे याद रख सकते, देखो जॉर्ज एक विदेशी नाम है, ठीक है, जॉर्ज, उसमें अरुण ने बुद्धि डाल दी, अरुण डाले, अरुण डाले, अरुण मतलब क्या होता है, सूर्यदेव, हमारे सूर्यदेव ने उनके दिमाग में और सद्बुद्धि डाली कि आप होम रूल लीग को ज्वाइन करो, तो एक विदेशी होकर के ज्वाइन किया, तो इसी वजह से सेक्रेटरी बना दिया था कि छोड़ेगा, आज से तुम हमारी सेक्रेटरी हो। तो जॉर्ज अरुण डले, अरुण ने उनके अंदर सद्बुद्धि डाली, मैं सिर्फ याद करवाने के कहता हूँ, बार बार मुझे कहना पड़ता है ये बात, ठीक है। जॉर्ज अरुण डले ये क्या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, बिसाइड अरुण डले, द मैन वर्क वॉज द मेन वर्क वॉज डन बाई बीडब्ल्यू वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। इनके अलावा दो इम्पोर्टेंट नाम और है, बी डब्ल्यू वाडिया, ठीक है, वदिया, तो कहते हैं ना वदिया काम किया है, और धीरे धीरे कहते हैं धीरे धीरे किता, ऐसे ऐसे कहते हैं ना पंजाबी में, कहते हैं वदिया भाई वदिया, मतलब कि सब बढ़िया। मेरे कुछ पंजाबी दोस्त हैं, वो हर बात में वदिया भाई वदिया तो वदिया, तो वदिया काम किया इन्होंने, वदिया काम किया राम स्वामी अय्यर के साथ मिलकर के, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, कोशिश करना, जॉर्ज अरुणडले, अरुण डाले जैसे कर लो, और बी डब्ल्यू वाडिया, वदिया वदिया, और सीपी रामास्वामी अय्यर, ठीक है। ये काम हुआ है, और बेसिकली ये सब चीज हम लोग देख रखे हैं कि कैसे कैसे सब चीज सब हुआ, और इसमें ज्यादा कुछ हमारे पास बचता नहीं है करने के लिए, और लीग वगैरह हम लोग देखिए, कॉमनवेल्थ वगैरह से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ना मैंने आपको बता दिया कि अब मैंने आपको क्या कहा था, बॉम्बे में कौन लीड कर रहा था, तो बॉम्बे डिवीजन को लीड करने का काम किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज को लीड किया था। अच्छा, इसमें ना कुछ खास नाम और आते हैं जो कि होम रूल लीग के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी ध्यान रखने की कोशिश करना ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत में तो कुछ लोग थे, बाद में कौन कौन ज्वाइन करता वो देखो, मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने भी ज्वाइन किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी ज्वाइन किया, भूला भाई देसाई ने भी किया, चित्त रंजन दास ने भी किया, के एम मुंशी ने किया, बी चक्रवर्ती ने किया, सैफुद्दीन किचलू ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, तेज बहादुर सप्रू ने किया, और लाला लाजपत राय ने किया। इतने लोगों ने इसे किया था। सम ऑफ दीज लीडर बिकम हेड ऑफ लोकल ब्रांचेस ऑफ एनी रिसेंट लीग, कुछ लोग इसमें हेड भी बन गए, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना को मैंने बताया कि बॉम्बे डिवीजन का हेड बनाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना को बॉम्बे डिवीजन का हेड बनाया गया, ये चीज आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। और मेनी ऑफ द मॉडरेट कांग्रेसमैन हु आर डिल्यूशनल विद कांग्रेस इन एक्टिविटी एंड सम मेंबर ऑफ गोखले सर्कल, एक सेकंड रुको, ये बेसिकली आपको ये नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से, नेहरू का, दोनों नेहरू, दोनों बाप बेटे, भूला भाई देसाई, देखो भाई भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है, देखो भाई मैं आपको इतने सारे नाम बता रहा हूँ, भूलना नहीं है, तो भूला भाई देसाई उसमें जुड़ गए थे, ठीक है, इतने सारे नाम में थे कि लोग उन्हें भूल गए फिर भी वो जुड़ गए, तो भूला भाई देसाई, सी आर दास थे, ठीक है, के एम मुंशी थे, एक मुंशी भी तो कोई चाहिए ना, कि मतलब सब चीज का लेखा जोखा कर सके, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, तो एक मुंशी थे, के एम मुंशी थे, चक्रवर्ती थे, क्योंकि भाई पूरे भारत भर में होम रूल लीग फैला हुआ था ना, पूरे भारत भर में फैला हुआ था, तो कोई तो चक्रवर्ती सम्राट चाहिए होगा ना जिसका कि पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल हो, तो चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, तो एक चक्रवर्ती थे, बी चक्रवर्ती थे, सैफुद्दीन किचलू थे जो कि किचन का काम संभाले, किचलू, ठीक है, किचन में चलो, किचन चलो, किचन में चलो, किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय के बारे में आपको पता है कि इन्होंने गठन किया था किसी से, एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, नहीं मदन उस बीएचयू किसके द्वारा बनाया गया था बताना, एनी बेसेंट के द्वारा, अब बाद में उसका नाम चेंज किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने, तो ये याद रखना कि मदन मोहन मालवीय इसके साथ क्यों जुड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया जो बीएचयू था उसके साथ उसका नाम चेंज करवाया था, तो दोनों साथ में होंगे कहीं ना कहीं, तो इस वजह से मदन मोहन मालवीय को इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है, जिन्ना आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। तेज बहादुर सप्रू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तेज बहादुर सप्रू, आगे भी हम लोग देखेंगे, और लाला लाजपत राय, मेरे ख्याल से सारे नाम आप लोग को याद रहने चाहिए। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, दोनों नेहरू, ठीक है, याद रहेंगे, भूला भाई, भाई भूलना नहीं है आप लोग को, भूला भाई देसाई, ठीक है, भूलना नहीं है आप लोग को, ठीक है, कौन कौन है, चित्रंजन दास, ठीक है, हमने चित्र को लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे कौन कौन होगा, भूलना नहीं है, तो कैसे याद रखोगे, तो देखो एक मुंशी होगा जो कि सब चीज का लेखा जोखा रखेगा, ठीक है, एक पूरा होम रूल लीग पूरे देश भर में फैला हुआ है, तो एक चक्रवर्ती सम्राट चाहिए, ठीक है, और सबका खाना बनाया इसलिए किचन भी चाहिए, ठीक है, तो सैफुद्दीन किचलू, किचन में चलो, किचन में चलो, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि बीएचयू को एनी बेसेंट के साथ मिलकर ही करते हैं, ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना स्पेशल है, ठीक है, हमें समझ नहीं आ सकता कि वो भी होगा, लेकिन हाँ मोहम्मद अली जिन्ना भी है,
तेज बहादुर सपरू, एक ऐसा भी इंसान चाहिए जो कि बहादुर भी हो तेज भी हो, ठीक है, तो ऐसा भी इंसान चाहिए। तो तेज बहादुर सपरू, ठीक है, लाला लाजपत राय, तो थ्री ऑब्वियसली, ये सारे नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो ठीक है, एक बार ना आंख बंद करो और रिवाइज करने की कोशिश करो। आंख बंद करो दोनों तीनों, विधान तो पता नहीं है कि नहीं, आंख बंद करो और रिवाइज करने की कोशिश करो। कौन कौन था इसमें? तिलक थे, ठीक है, एनी बेसेंट थी, जॉर्ज अरुणडले जो थे वो कौन थे? सेक्रेटरी थे। आंख बंद करके सबको रिवाइज करने की कोशिश। जॉर्ज अरुणडले कैसे याद किया था? विदेशी आदमी जिसको कि अरुण ने, यानी कि सूर्यदेव ने सद्बुद्धि दी, अरुण ने डाले, ठीक है, तो जॉर्ज अरुणडले वो थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और कौन कौन जुड़े हुए थे? दो नेहरू थे, ठीक है, बाप बेटे दोनों थे उसमें। उसके अलावा फिर कौन थे? भूला भाई देसाई, भूलना नहीं भाई, ठीक है, भूला भाई देसाई, ठीक है, कैसे नहीं भूले? तो देखो, एक खाना बनाने वाला चाहिए जो कि किचन में काम करे, तो सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको ऐसा चाहिए जो कि तेज भी हो बहादुर भी हो, तो तेज बहादुर सपरू। उसके अलावा फिर और कौन हमें चाहिए तेज बहादुर सपरू के अलावा? मोहम्मद अली जिन्ना स्पेशल है इस वजह से वो चाहिए। एक मुंशी भी चाहिए जो सब चीज का ध्यान रखे, तो केएम मुंशी हो गया, ठीक है, और चित्तरंजन दास, अपने चित्त को लगाए रखो इस चीज में, तो चित्तरंजन दास होंगे। और उसके बाद मदन मोहन मालवीय होंगे, तो उन दोनों में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का संगठन किया था, तो ऑब्वियसली ये दोनों कहीं ना कहीं साथ में होंगे, ये हम समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो वो थे लाला लाजपत राय, तो ऑब्वियसली थे ही, ठीक है, हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और आदमी रह गए, वदिया, वदिया आदमी, ठीक है, बीडब्ल्यू वदिया, वो भी थे साथ में जुड़े हुए, रामास्वामी अय्यर के साथ मिले हुए। ये सारे नाम आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, मजा आया याद करने में, कोई दिक्कत तो नहीं आप? नो सर, ठीक है, चलो। अब देखो क्या होता है ना, ये धीरे धीरे ना होम रूल काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था, गवर्नमेंट को ये चीज चुभने लग गई, ठीक है, और उन्होंने तिलक को मना कर दिया कि वो दिल्ली पंजाब में नहीं आ सकते, तो बैन लगा दिया तिलक के दिल्ली पंजाब में आने पे, ये खास बात है। और यहाँ पे वरिया को, जॉर्ज अरुणडेल को, एनी बेसेंट को, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया अल्टीमेटली, ठीक है। और जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया इतने बड़े बड़े लोग को, तो क्या होगा, सुब्रमण्या अय्यर जो, इन्होंने अपना नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया। देखो सुब्रमण्या अय्यर को जो यहाँ पे है, एस सुब्रमण्या अय्यर, इन्हें क्या हुआ था, इन्हें मिला था नाइटहुड की उपाधि। देखो एक दो इंसान को और मिले, एक इंसान को और मिली थी नाइटहुड की उपाधि, किसको मिली थी याद है कुछ? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी नाइटहुड की उपाधि, याद है नमस्ते। कुछ? हाँ, तो उन्होंने भी लौटा दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अपना किस उपाधि को लौटा दिया था, केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया था, ठीक है। और सुब्रमण्य अय्यर है, इन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि इनका रिएक्शन क्या था, होता होम रूल लीग का रिएक्ट कैसे किया था सरकार ने, सबको तिलक को बार कर दिया था कि पंजाब उस साइड में नहीं आ सकते ये, ठीक है, पंजाब दिल्ली के साइड में नहीं आ सकते। इधर वदिया को, जॉर्ज अरुणडेल को, इन बेसेंट को, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। इस अरेस्ट के विरोध में एस सुब्रमण्या अय्यर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है ये रिनाउंस कर दी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे पता है क्या हुआ था, एक ना मोंटागु, आपको नाम होगा याद है, मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो मोंटागु ने कहा था, क्या कहा था, शिवा जो शिवजी है, कट हिज वाइफ इंटू 52 पीसेस, अपनी वाइफ को 52 हिस्सों में काट दिया, ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ, सिर्फ इस वजह से पता लगाने के लिए कि उनके पास 52 वाइफ थी। दिस इज वॉट हैपन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट इंटर्न्स मिसेस बेसेंट, मतलब कि क्या हुआ, देखो ये कहा गया, ये देखने के लिए इन्होंने कहा कि शिव ने अपनी वाइफ को 52 हिस्सों में बांट दिया, काट दिया, ताकि उन्हें ये पता चल सके अल्टीमेटली कि उनके पास 52 वाइफ है, ठीक है। सेम वही काम गवर्नमेंट ने किया है एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके, अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम, मतलब कि इन्हें लगा कि हाँ ठीक है इतना सारा होगा बेसिकली जो भी कुछ है, ठीक है। एक्चुअल में 52 जो नंबर आया, ये 52 शक्तिपीठ है ना वो चीज है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, शिवजी ने नहीं काटा था सती को, ये काटा था किसने, विष्णु भगवान ने, तो यहाँ पे थोड़ा समझ की कमी है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। शिव जी रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इस वजह से विष्णु भगवान ने उनकी मदद की थी, जो भी है। अब अल्टीमेटली आते हैं कि ये 1919 में एजिटेशन फेड आउट क्यों हो गया, क्यों खत्म हो गया? ऑब्वियस बात, सेम रीजन वही सबका सब, ठीक है, जो वहां पे था। एक तो इन लोग को सब पकड़ पकड़ लिया गया, इनका सब समाप्त कर दिया गया होम रूल लीग को, उसके बाद भी क्या कहते हैं मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आना था, तो उस वजह से भी नेशनलिस्ट तो लोग सब आपस में डिवाइड हो गए। एनी बेसेंट जो था, एनी बेसेंट जो थी, उनका कहना था कि ठीक है हम रिफॉर्म के थ्रू चलेंगे, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट अपना थोड़ा लिबरल पड़ गई। तिलक जो है वो अब्रोड चले गए इस टाइम पे। हाँ ये देखो एक यहाँ पे खास बात है, तिलक जो है
ये अब्रॉड गए, ठीक है, और इनके ऊपर ना एक केस हुआ था, वैलेंटाइन चिरॉल नाम का एक आदमी था, वैलेंटाइन चिरॉल, चढ़ा हुआ वैलेंटाइन बनाया था ये, तो वैलेंटाइन चिरॉल नाम का आदमी था जिसने की किताब लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट की किताब बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस किताब में क्या कहा गया था, फेमस क्यों है ये कहा था, इंडिया में जितना भी अनरेस्ट है, जितनी भी समस्या है ना, सबका जड़ तिलक है। ठीक है, तो तिलक को सबके लिए रिस्पॉन्सिबल माना था, तिलक एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, और इंडिया में जो भी कोई डेवलप हो रहा है, तो तिलक को इसने वो किया था, अपनी किताब में कहा था, तो तिलक की खास बात है ये, ठीक है। और गांधी फिर अपना फ्रेश अप्रोच लेकर के आ गए, ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें, गांधी एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड चेंज द ऑर्गेनाइजेशन नेम टू स्वराज्य सभा, ठीक है। देखो ऑल इंडिया होम रूल लीग को इन्होंने, एक खास बात है, होम रूल लीग था, ठीक है, उसमें उसकी प्रेसिडेंटशिप अपने हाथ में लेता है 1920 ईस्वी में, अल्टीमेटली उसका नाम चेंज कर देते हैं स्वराज्य सभा में, और उसके बाद अल्टीमेटली एक साल के अंदर उसे मिक्स कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका पतन कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, सारे रीजन साथ में, अल्टीमेटली गांधी जी उसकी जब प्रेसिडेंटशिप संभालते हैं उस टाइम पे उसका नाम बदल करके स्वराज्य सभा कर देते हैं, फिर उसे एक साल के अंदर ही क्या कर देते हैं, आईएनसी के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बोलो ठीक। हाँ हाँ ठीक है, क्या ये कुछ पॉजिटिव, इन्हें कुछ मिला, कुछ ये पॉजिटिव गेन हुआ इन लोग को, ज्यादा कुछ तो देखो, हाँ लोग को जोड़ पाए अपने साथ में, ठीक है, जो अभी तक इलीट क्लास जुड़े हुए थे उनके साथ साथ मासेस तक भी पहुंच गए, ठीक है, और उसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक की तरह काम किए, देश का टाउन के साथ मिलकर के हर जगह एक दूसरे से मिलना जुलना, ठीक है, उसके बाद फिर नेशनलिस्ट तो प्रॉपर एक जनरेशन तैयार हो गई नेशनलिस्ट की इनके वजह से, होम रूल लीग की वजह से, और पॉलिटिक्स के लिए गांधी स्टाइल के लिए, मतलब इकट्ठा मास को इकट्ठा करना, ये सब बेस इन्होंने बना करके तैयार कर दिया। और ये जो चीज है, जैसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया ना, तो या अगस्त डिक्लेरेशन था 1917 का, ये सब इंफ्लुएंस था होम रूल लीग के एजिटेशन से, तो इन मतलब कि जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, उसमें कहीं ना कहीं ये झलक मिलता है होम रूल लीग का, ठीक है, तो ये चीज है। और हाँ उसके बाद फिर अल्टीमेटली लखनऊ पैक्ट होता है, साइन हो जाता है, ये सब चीज काम खत्म हो जाता है, ये रीएडमिशन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह पुरानी कंट्रोवर्सीज को ये लोग साइड में रख देते हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों को रियलाइज होता है कि भाई ये इनएक्टिविटी रही, क्योंकि देखो मैंने कहा कांग्रेस शांत पड़ गई थी, कुछ हो नहीं रहा था इस टाइम में, तो दोनों सोचे कि ठीक है काम मिल जाना चाहिए, साथ में मिल जाना चाहिए, काम करना चाहिए मिल करके, तो यही सारी चीजें हैं। और एक इसमें खास बात क्या होता है, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, फिरोज शाह मेहता है, याद बताया था मैंने फिरोज शाह मेहता को, चप्पल पड़ी थी फ्लाइंग चप्पल सदन में, बताया था मैंने, बताया या सर था? बताया था ओ वाह विद्यानंद आप जग गए। सर, तिलक के पास से जगह था। बीच में झपकी मार ले तो सब नींद आने लगे ना, तो कुछ बात करने लग जाओ, क्या दोस्त सर 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा क्या, आंख पे जाके पानी मार मार के आओ, ठीक है कोई इशू नहीं है, तो कोई नहीं, ये सब चीज पढ़ी रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर मैं कहा था, हाँ पिछली फिरोज शाह मेहता के बारे में बताया था कि उन्हें फ्लाइंग चप्पल मिला था, ठीक है, और इस वजह से नाराजगी हो गई थी, फिरोज शाह मेहता ने माफी मांगने माफी माफी देने से मना कर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली फिरोज शाह मेहता जी की डेथ हो जाती है, तो अब इनके बीच में वो, ये फिरोज शाह मेहता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तिलक अलग थे, तो अब इन दोनों के बीच में फिरोज शाह मेहता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से दोनों जुड़ पा रहे हैं आसानी से, फिरोज शाह मेहता होते तो अभी भी जुड़ने में मुश्किल होती, मुश्किलों का सामना करना पड़ता, बट चूंकि फिरोज शाह मेहता अलग हो गए, अब स्वर्गवास हो गए, वो स्वर्गवासी या उनका जो भी अपना होगा वहां चले गए, तो अल्टीमेटली ये जुड़ पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रही, ठीक है, तो ये चीज है। अल्टीमेटली हुआ क्या, एनीवेज तो तिलक ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला रियूनियन का, लेकिन सस्पिशियस भी थे कहीं ना कहीं, इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम एडमिनिस्ट्रेशन के तो रिफॉर्म लेकर के आएंगे, गवर्नमेंट को हटाने की बात नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था तिलक ने डिनाउंस कर दिया बाद में वायलेंस को, तो यहाँ पे वायलेंस को डिनाउंस किया, जबकि पैक्ट होता है लखनऊ पैक्ट होता है, उससे पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट थे, यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज्म है बट उतना ज्यादा स्तर का नहीं है, अब थोड़े ये एजेड भी हो रहे थे, और अल्टीमेटली ये सब भी चीज हो रहा था, ठीक है कोई इशू नहीं है। लखनऊ पैक्ट हुआ था किसके बीच में, देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ये से भी हम लोगों ने चीज देखी थी, क्यों हुआ था मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि ब्रिटेन ने टर्की के खलीफा के साथ क्या क्या किया था सीन, ठीक है, उसे हटा दिया था, एक उसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा करके शायद नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने हटा दिया था वहां के कैलिफेट को, जो भी आप देख लेना, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया जा चुका था, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो बेसिकली ये है कह रहे हैं कि चेंज क्यों हुआ लीग का एटीट्यूड, क्यों जुड़े ये सात लोग। हाँ देखो
इस वजह से जुड़े हैं कि हिंदू मुस्लिम लोग सब एक साथ इस वजह से जुड़े हैं, लीग और ये लोग, क्योंकि इन्हें पहले लगता था अंग्रेज हमारे साथ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को इन्होंने समाप्त कर दिया, वहां पे खलीफा को हटा के उखाड़ के फेंक ही दिया, तो इसकी नाराजगी थी। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन था उसको एनल कर दिया, उस चीज की नाराजगी थी। ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में थोड़ी समस्या आ रही थी, इस वजह से भी इनके मन में नाराजगी थी, नाराजगी ही नाराजगी थी। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सोल्यूशन का पता नहीं, तो इस वजह से भी ये सब लोग जुड़ गए हैं, ये सब खास बात है। उससे तो यंगर जो मुस्लिम लीग के नेता थे ना, कुछ ज्यादा ही मतलब जोशीले थे, तोड़ देंगे, ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए छोड़ूंगा नहीं देखो, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये खास बात है, मौलाना आजाद वगैरह सब। हाँ एक चीज देखो, इधर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक पब्लिश किया था, अल हिलाल और अल बिलाग भी था, यहाँ पे नहीं है मेंशन, बट अल हिलाल अल बिलाग नाम का था एक किताब, किताब था, किताब नहीं, बेसिकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, और मोहम्मद अली का कॉमरेड नाम था, मोहम्मद अली ने जो पब्लिश किया था, मोहम्मद अली कॉमरेड, इतना याद हो पाए तो कोई बात नहीं, पर हाँ मौलाना आजाद का तो डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। नेचर कैसा था इस पैक्ट का, लखनऊ पैक्ट का, देखो मैंने आपको बताया था कि सारी चीज आपको सब मैंने पढ़ा रखी है, दोबारा से खाली रिपीट हो रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लीग एग्री करता है कि हम जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को मानेंगे कांग्रेस के, यानी कि दोनों मिल करके कहेंगे कि हमारी डिमांड ये है। कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया पोजीशन मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, ये खास बात है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो क्या है, व्हाइल द लीग एग्रीड टू प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड विद द कांग्रेस टू द गवर्नमेंट, लीग ने क्या कहा, हम आपके साथ मिल करके ना डिमांड रखने के लिए तैयार है, उनको क्या शर्त थी, और कांग्रेस ने क्या कहा, हम आपकी डिमांड को एग्री करते हैं, आपकी सेपरेट डिमांड को, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को, कब तक, जब तक कि एक कम्युनिटी डिमांड ना करे सेपरेट इलेक्टोरेट की, विच वुड कंटिन्यू टिल एनी वन कम्युनिटी डिमांडेड जॉइंट इलेक्टोरेट। देखो क्या है, एक कंडीशन, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर फॉरएवर, ये चीज गलत हो जाएगा, कांग्रेस ने एक्सेप्ट तो किया इस चीज को, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को, बट एक कंडीशन लगा दी कि जब तक हम दोनों कम्युनिटी में से कोई एक कम्युनिटी जो है वो कम से कम जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड ना करे, मतलब समझो इस बात को, मान लो सपोज विद्यानंद आया कहते हुए कि मुझे चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सपोज विद्यानंद है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम लीग का मेंबर है और मैं हूँ कांग्रेस, ठीक है, तो क्या होगा, विद्यानंद कहेगा ठीक है मैं आपकी एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ कि अब हम दोनों मिल करके डिमांड रखेंगे, जो रखेंगे उनके सामने, अंग्रेजों के सामने, तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, किंतु मैं कह दिया कि विद्यानंद देखो हम दोनों मिलकर डिमांड रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी डिमांड को मानता हूँ, आप सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हो ना, मैं आपकी डिमांड को मानता हूँ, बट एक कंडीशन रखूंगा, कंडीशन क्या है, अगर दोनों कम्युनिटी में से कोई एक कम्युनिटी भी कहती है इन फ्यूचर, इन केस कि हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए, तो फिर उसके ऊपर पुनर्विचार होगा, लेकिन जब तक नहीं कहती तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब तक मैं अपना सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए करके तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये चीज क्या था, किसने, कांग्रेस ने, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस हिसाब से मुस्लिम लीग को एक फिक्स्ड सीट दिया गया लेजिस्लेचर में, ऑल इंडिया लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी दिया गया, क्या ठीक है, आपको इतनी आपकी इतनी पॉपुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए, ये सब चीज है। उसके बाद फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें कही, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका बढ़ा करके 5 साल के लिए कर दिया गया। एक खास बात क्या कहा कि जो भी सैलरी मिलती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है, वो सारा का सारा ब्रिटिश खजाने से जाएगी, भारत के पैसों से नहीं जाएगी, ये इन लोगों ने कहा, ये इन लोगों ने आपस में कहा कि जो उनको सैलरी वगैरह दी जाती है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वो ब्रिटिश अपने खजाने से दे, हमारे खजाने से नहीं, ये चीज है। और एक और चीज उन्होंने डिमांड की, हाफ द मेंबर ऑफ वॉस्टर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, ये आधे लोग इंडियन होने चाहिए, ये खास बात है। ठीक है, दूसरा एक और चीज था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा अभी, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, आई डोंट नो, पता नहीं, मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, कि ऐसा था कि कहा गया कि अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ या उनका कोई ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए, रिफॉर्म आ रहा है, तो कम से कम 75% लोग अगर उसका विरोध कर रहे होंगे तो वो बिल पास नहीं किया जा सकता। अगर कोई बिल आ रहा है जो कि हिंदू को पसंद नहीं आ रहा है, या कोई बिल आ रहा है जो मुस्लिम को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस बिल को नहीं माना जाएगा अगर 75% लोग उस बिल के विरोध में हो, तो उस बिल को तुरंत का तुरंत आउटराइटली रिजेक्ट किया जाएगा। और यहीं पे है कि कहीं बाद में एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, पर ये चीज है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें का कोई क्लियर तो नहीं हुआ, बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक हाँ
ठीक है, ऑलराइट। सर, ठीक है, तो फिर नेचर कैसा रहा इसका, मतलब पैक्ट का, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ये सब कुछ कुछ क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे क्या हुआ है। देखो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आगे मोंटेगु चेम्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटोरी फॉर्म वगैरह सब, लखनऊ पैक्ट डिमांड वो जस्ट अ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। दरअसल लखनऊ पैक्ट जो था उसमें डिमांड वही रखी गई जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन था, बस उतना ही रखा गया, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये कब हो रहा है ध्यान रखना, 1916 ईस्वी के आसपास हो रहा है, तो यहाँ पर मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नहीं आ गया। बट हाँ, मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इस चीज का असर हमें जरूर देखने को मिलेगा, ये चीज है आपकी, इसे आप एक बार पढ़ लेना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगस्त डिक्लेरेशन आता है 1917 का। देखो यहाँ पर कहा जाता है 1917 ईस्वी में एक स्टेटमेंट आती है, द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पर कहा गया एक बड़ी ही जबरदस्त, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ये चीज आपको स्पेशल दिमाग में बिठा लेगा कि क्या चीज है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आइन कहा गया, एक सेकंड, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, ये चाहती है कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस का हर एक ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन पे, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि हम भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं, बिकॉज इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिशर्स का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हम सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहेंगे। इसका मतलब एक खास बात क्या है, इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, कि आज के बाद जो नेशनलिस्ट की डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट की या होम रूल लीग की, इसे सिडिशियस नहीं समझा जाएगा। देखो खास बात, इसने क्या कहा है अगस्त डिक्लेरेशन में, द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम चाहते हैं कि इंडियंस का हर एक ब्रांच में पार्टिसिपेशन बढ़े, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट तो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को लेकर के, तो उन्होंने सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के लिए बात कर दिया। इट मीन्स कि क्या है, इट मीन्स ये है कि नेशनलिस्ट अब तक जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते थे या होम रूल की डिमांड करते थे, ये सिडिशियस नहीं रहा। सिडिशन का केस अब इनके ऊपर इस चीज के लिए लेकर के नहीं बन सकता, है ना, अभी तक सिडिशन हुआ करता था, सिडिशन का चार्ज लग जाया करता था, किंतु अगस्त डिक्लेरेशन के बाद सिडिशन का चार्ज नहीं लगेगा। ये चीज आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, एक वॉटरशेड मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं, मूवमेंट सॉरी मूवमेंट नहीं, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि 1909 में मॉर्ले ने क्या कहा था, मॉर्ले ने ये कहा था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देना चाहते इंडिया को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं, बट यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की है, सेल्फ गवर्नेंस की बात की है, तो ये चीज है। उसके यहाँ पे डायआर्की यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और ठीक है, इंडिया लोक सभा मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ऑब्जेक्ट किए किस बेसिस पे, कि आपने कह तो दिया अगस्त डिक्लेरेशन में, कह तो दिया सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, आपने कहा कि हम डिवॉल्व करेंगे पावर को, पर तब तक अरे करो ना, करते क्यों नहीं, अरे करो दो वो चीज, ठीक है, तो एक आपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो दिया नहीं, ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कितना आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है, कितना आप हमें डिवॉल्व करोगे पावर, या आप लोग डिसाइड करोगे, ये तो गलत बात है, हम नहीं मानते इस बात को। ये कहते हुए ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। बोलो मजा आया? यस सर, ओके, अभी इतना रहने दे या आगे पढ़ना है? इतना सही, नाइस, ही, क्योंकि मुझे लगता है आज थोड़ा ज्यादा हो गया कि मतलब वो स्पेशली जो इतने सारे नाम वगैरह सब आए, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एक बार रिकॉल करना और पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। यूनिट 7 शुरू हो रहा है, यूनिट 7 पढ़ के आना, 8 पढ़ के आना, जितना पढ़ के आ सकते हो पढ़ के आओ। यस सर, ठीक है, विद्यानंद पढ़ करके आना एक बार इन सब चीजों को, आपने एक बार क्रैश कोर्स तो कर ही लिया है, एक बार और जो है ये सब चीज पढ़ करके आने का प्रयास करो। मार्श नर्सिज्म में क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये भी हम लोग देखेंगे, और मेरे ख्याल से आप चैप्टर को होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, कोई ऐसे स्पेक्ट्रम को कवर नहीं करवाता, है ना, बढ़िया तरीके से चलेगा, कोई इशू नहीं है, मस्त तरीके से, यस और बढ़िया मजा आएगा करने में। किसी को कुछ कहना है तो बोलो, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हो, घर वालों को, घर वालों को कैसा फील हो रहा है 3 बजे उठ करके, मेरी बेटियां क्या कर रही है पता नहीं,